वेल सेट अपन के आजान वेलकम टू आवर हैकर ब्लॉग। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन में, जिसमें आज मैं बताने वाला हूं कि ना इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग अ बग हंटिंग। सात टूल लेकर आया हूं कालीनस के आपके लिए, और आज सीरीज में बढ़ते हुए वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज बात करने वाला हूं मैं कि भाई वो कौन कौन से सात टूल्स हैं जिनके थ्रू आप बग हंटिंग कर सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सेशन जो है स्टार्ट हुआ या नहीं, वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड भाई, चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया। ठीक है, तो चलिए आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे सेशन के अंदर। और पहली बात, थैंक यू सो मच आप सबके लिए कि ना आप सबने हमारा सेशन, पिछला सेशन इतना पसंद करा कि 1100 अप्रोक्सीमेटली हमारा लाइव स्ट्रीम में चला गया था। ये सब आप लोगों के व्हाट्सएप पे हमारे वीडियो शेयर करने की वजह से हुआ। तो प्लीज भाई को प्यार दीजिए आज, और आज भी हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग 1000 व्यूज सेशन के अंदर करके जाएं। मैं जानता हूँ कि हैकर ब्लॉग की आर्मी सपोर्ट करेगी, और आज भी, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि काफी सारे जो और लोग हैं वो जुड़ सके अपने साथ में और सीख सके आज बग हंटिंग बहुत ईजी तरीके से। सात टूल्स के थ्रू कालीनस की सीरीज चल रही है। ठीक है, चलिए फटाफट सारे सारे स्टूडेंट्स आ गए, थैंक यू सो मच गाइस आने के लिए। बिल्कुल अनोनमस रियल बग हंटिंग सिखाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, उसके अलावा वाइट हेड आ गया अपने पास 2.0। ठीक है ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉड सेशन को। और काफी सारे बच्चे वेट कर रहे थे, तो मैं भी सेशन प्रिपेयर करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके देखता हूँ मैं एक बार, कमांड्स वगैरह पीपीटी वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बता दूं मैं आपको कि इससे पहले ऑलरेडी हम लोग एक चीज कवर कर चुके हैं हमारे सेशन के अंदर। अगर मान लो किसी ने जो पहली बार आ रहा होगा हमारे सेशन के अंदर, तो बता दूं मैं आपको कि ये कालीनस की सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हम 5 वीडियो, ये 6th वीडियो है मेरे हिसाब से ना, तो ऑलरेडी सीरीज आ चुकी है। ठीक है, तो आप है ना फर्स्ट सीरीज से लेके आप जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये सारी सारी सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है हमारी। ठीक है ना, 5 वीडियो आ चुकी है, 6th वीडियो हमारी इस सीरीज की। तो अगर आपने पहले की वीडियो अटेंड नहीं करी तो प्लीज एक बार जाके आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए ठीक है। और आज वाला सेशन जो है हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं बग बाउंटी पे कुछ लेकर आओ यार, कोई कौन से टूल आप यूज करते हो। तो आज बताने वाला हूँ कि कालीनस के वो सारे जो बेहतरीन टूल है, मतलब ऑलमोस्ट सारे टूल हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे सीरीज के अंदर। तो वो 7 टूल्स जो आज परफॉर्मर दिखाने वाला हूँ, पहले मैं एक छोटा सा ओवर भी देता हूँ आपको फटाफट फटाफट फास्ट फास्ट सबके ऊपर, ताकि आइडिया लग जाए कौन कौन टूल्स अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच शारीबाज। ठीक है, तो ये जो है टूल्स के नाम दे रखे हैं मैंने आपके सामने। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले वो हैं आपके वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप स्कैनर के अंदर डेप टेस्ट हम टेस्ट करने वाले, सी फिर है ना दे रखा है CAD एवर, ये हम टेस्ट यूज करने वाले, इसके फिश करने वाले, वापिती यूज करने वाले, व्हाट्सएप, कॉमिक्स और बर्बसूट, ये सारे टूल्स जो है ना ये सारे हम लोग यूज करने वाले हैं। और ये सारे टूल्स जो है ये कालीनस के हैं। तो अगर आप टेस्टिंग के दौरान, अब जो क्या होता है कि हम लोग कंपनीज में टेस्ट करते हैं ना, वो हम लोग लाइसेंस टूल को लेके करते हैं। ठीक है ना, तो जब लाइसेंस टूल को लेके करते हैं तो डेफिनेटली यार आपको लगता है कि यार ना ये सारे लाइसेंस टूल नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक बर्बसूट ये जो कम्युनिटी एडिशन और है ना प्रो एडिशन के अंदर आता है। ठीक है ना, इंटरप्राइज एडिशन में आता है, बाकी सारे जो है ना ये सारे सारे फ्रीवेयर टूल है। सो इन टूल्स का बग हंटिंग के दौरान, मतलब वेब टेस्टिंग के दौरान हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और किस किस टूल को हमें किस किस जगह यूज करना है, कौन से बग्स के लिए यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी मेथोलॉजी भी शेयर करता हूँ कि मैं कंपनीज के अंदर पिछले 13 साल से बग हंटिंग कैसे कर रहा हूँ, और किस तरीके से क्या अप्रोच होता है हमारा टेस्ट करने का। कंपनीज के अंदर हमें फ्रीवेयर टूल्स के लिए अलाउड नहीं होता है, टेस्टर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ओपन सोर्स निकाल लेते हैं, गिटहब से निकाल लेते हैं, वो करते हैं। ठीक है ना, पर उनसे हमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वो भी आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि भाई ये टूल हम लोग किस कंडीशन में यूज करेंगे, कहीं पे अगर आपको ये लग रहा है तो ये टाइप का ये वाला टूल आप यूज करो, इसका ये बेनिफिट होता है, इसको आपको यहाँ पे यूज करना। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे ज्यादा बोल बचल नहीं करेंगे, सीधे प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो आज की जो मेरी लैब जो मैंने बना रखी है, वो मैंने बनाई है वर्चुअल मशीन के ऊपर ही। वे में ऑलरेडी मैं अपनी लैब सेटअप कर चुका हूँ, काली लिनक्स मैं यूज कर रहा हूँ 2022 का 3rd वर्जन, जो अभी लेटेस्ट है। ठीक है ना, तो अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो अभी लेटेस्ट में चल जाएगा। विंडोज 7 यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने छोटा सा वेब एप्लीकेशन की लैब बनाई है, जिसके अंदर मैंने दो चीजें यूज कर रखी है। एक तो मेरा है DBW है, जो आपने काफी कुछ नोन होंगे, जिनको नहीं पता वो लिंक भी डाल दूंगा कौन सा लिंक है इनका, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, डेमो वेब एप्लीकेशन दे रखा है। उसके अलावा मैंने एक और जो मैंने यूज करा है वो है हमारा बीवा भी करने आ रहा था, पर एक्चुअली इंस्टॉलेशन से थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैंने अभी यूज नहीं करा उसको। ठीक है, एक हमारा ये दे रखा है, वो ओआस की लैब दे रखी है, इसके अंदर भी आपको 2017 तक के जितने भी इंजेक्शन वगैरह है ETN कवर कर रखे हैं, और उसके अंदर भी काफी सारे डिटेल में वल्नरेबिलिटी दे रखी। तो अगर आज मुझे लगता है कहीं पे मुझे इनको यूज करना, तो मैं इनका यूज करूंगा। इसी
एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का मतलब लैब का यूज नहीं करने वाला मैं, एक्चुअली मैं इसका एप्लीकेशन का यूज करूंगा ताकि बग फाइंड आउट कर सके। थोड़ा कनेक्टिविटी का मुझे इसमें इशू आ रहा है क्योंकि मेरे विंडोज में लास्ट अपन ने वायरस चलाया था, तो उस चक्कर में क्या है कि मेरे सिस्टम की मतलब विंडोज वाला सिस्टम इतना बुरी तरीके से खराब हुआ है कि मुझे इसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, पर आज सेशन में टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं रीइंस्टॉल नहीं कर पाया, पर मैं इसको रीइंस्टॉल करूंगा नेक्स्ट सेशन के लिए। और मेटा एक्सप्लोइटेबल 2 दे रखा है मैंने, जो मैं नॉर्मल टेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ, मेटा एक्सप्लोइटेबल 2 भी एक बग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीन चीजों को मिला के मैं आज यूज करने वाला हूँ, और काफी कुछ मैं लाइव ही करने वाला, तो लाइव ही अपन जाएंगे तो देखेंगे इसके अंदर क्या चीज चलने वाली है। ठीक है चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा है पहले अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले। तो तपन सर क्लास के अंदर फटाफट एक बार हाजिरी लगा दो यार बॉस, जितने भी लोग हैं, और मैं भी अपने ट्रांजेक्शन जो है चेंज कर देता हूँ। फटाफट एक बार तपन सर को हाई सर लिख के फटाफट भेज दो एक बार चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, और काफी कुछ जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो से मेरे फॉलो कर रहे थे उनको मैं नाम जानता हूँ, तो मैं नाम से भी एड्रेस कर देता हूँ भाई, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है यार। बोलो भाई, अभी सुडो वल्नरेबिलिटी यार मैं नहीं बता पाऊंगा, एक्चुअली मैं अभी जो सेशन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है इनके अंदर, अगर आपको टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर इसके अलावा बाहर डाउट्स होंगे तो अपन डाउट क्लास लेंगे, तो उसके अंदर आप डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। प्रजेश आ चुका है, अनिश आ चुका है, अनिश बहुत बढ़िया, आज अनिश हमारे मेंबरशिप भी ले रखा है अनिश ने। राहुल आ चुका है, वीजा आ चुका है, इट्स मी जील आ चुके हैं, उसके अलावा सागर जोशी, एथिकल आकर आ चुके हैं, उसके अलावा भैया यार आपने रिप्लाई नहीं दिया इंस्टाग्राम पे, अरे बीजे में आकर यार आपने रियल अकाउंट से करो एक्चुअली ऑफिस से, है ना। पर नींद जांगीर आ चुके हैं, हैकर बॉय आ चुके हैं, ठीक है ना। उसके अलावा और फटाफट दे लेते कौन कौन आए, फटाफट हाई लिखिए जो फटाफट तमन भाई को, ठीक है ना। हाई सर, बिग फैन फ्रॉम नेपाल, अरे थैंक यू सो मच शायरी बाज, आप नेपाल से मजा आता है यार, नेपाल में भाइयों को बोलना तपन सर का बड़ा प्यार मिल रहा है उनको नेपाल की तरफ से, तो थैंक यू सो मच गाइज नेपाल से सपोर्ट इतना करने के लिए, डेफिनेटली नेपाल ही आऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए तो मैं, ठीक है। गोस्ट राइडर आ चुके हैं हमारे साथ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। राहुल यूजिंग सेम प्रोफाइल आइकन एज हैकर लोगो हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग, चलो ठीक है। कोड विद राजू आ चुके हैं हमारे साथ में, उसके अलावा देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रज्वल आ चुका है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन आ चुके हैं, डिजिटल ब्लू आ चुका है, प्रतीक आ चुका है, आ मेरी जान प्रतीक पाटिल आ चुके हैं, चलो ठीक है थोड़ा स्टार्ट करते हैं अभी, है ना। तो अब मैं चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं दूंगा, अब मैं सीधे डायरेक्टली हमारे आज के सेशन पे ध्यान दूंगा, जो डाउट्स होंगे प्लीज चैट बॉक्स में डाल देना, अगर टॉपिक रिलेटेड डाउट होंगे तो हैंड टू हैंड ले लूंगा मैं, ठीक है ना। और अगर मुझे टॉपिक रिलेटेड के डाउट के अलावा कोई डाउट रहेंगे तो वो मैं एंड में आएगा, ठीक है ना। स्किप फिश और कॉमिक्स का प्रैक्टिकल दिखा दीजिए, बिल्कुल बॉस ये सारे प्रैक्टिकल है गाइस, इसके अंदर सारे सारे प्रैक्टिकल होने वाले, कुछ भी थ्योरी नहीं होने वाला भाई, तपन भाई आप जानते हो तपन भाई आपके लिए थ्योरी कभी लेके ही नहीं आता, सारे सारे आपको टॉपिक कैपिटल आपको प्रैक्टिकली मिलने वाला है। चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो बताने वाला हूँ कि मैं डेव टेस्ट करने वाला, डेव टेस्ट अभी करते क्यों है क्या है तो दिखाता हूँ मैं अभी एक बार, अपन पहले इसमें आते हैं कालिनिस के अंदर। सो कालिनिस की सीरीज के अंदर अगर हम जैसे आगे बढ़ रहे थे, ठीक है ना, आगे बढ़ते बढ़ते हमने यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनको नहीं पता बता दूं मैं आपको कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाला जो पार्ट था ये हमारा पूरा सारे टूल्स हमने कवर कर चुके हैं, अगर आप पहले वाली वीडियो जाके देखेंगे ना तो ये सारे टूल्स मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन करें किस लिए किस कंडीशन में काम आता है, चला के भी दिखाएं सारे टूल्स प्रैक्टिकल में। हाय सागर, हाय पूजा, ठीक है, बहुत सारे बिल्कुल ठीक है ना। उसके अलावा देखो आप देखेंगे ना तो सेकंड वाला दे रखा है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी अपन ने कवर कर चुके हैं यहाँ पे, फजिंग वॉइड टूल, फजिंग टूल अपन क्यों यूज नहीं करते वो भी बताया था मैंने आपको, जिसको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है प्लीज स्टेट ऑफ मैंने एक फॉर्म दे रखा है उसको जाकर भर दीजिए, ठीक है ना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी मेरे से, अगर वन टू वन आपको पढ़ना भी है तो फटाफट वीडियो को लाइक भी मार दीजिए और फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है ना। उसके अलावा वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के अंदर मैं ये ऊपर तक कवर कर चुका हूँ, तो वेब क्रॉलर और डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स तक, यहाँ तक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना। आज जो हम लोग कवर करने वाले वो है ये वेब स्कैन वल्नरेबिलिटी स्कैनर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पर्टिकुलर कैटेगरी का, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो इस पे लिए, ताकि ना मतलब मैं नहीं चाह रहा कि यार आपका कोई भी एक चीज जो है ना वो स्किप हो, और मुझे पता है कि ना इन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं अलग से वीडियो बना के, जैसा कि मैंने ये ऐसा अपना ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है इसके ऊपर, जहाँ पे CMS वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सीज वेब क्रॉलर में ले चुका हूँ, मैं चाहता था वो ये भी ले लेता मैं, पर मैं चाह रहा था इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ, तो आज का वीडियो हमारा स्पेशली इसके लिए। सर रीजन क्या है इस वीडियो को बनाने का, हाय सूरज, ठीक है बता दूं मैं आपको कि इस वीडियो को बनाने का रीजन क्या है कि जब हम लोग वेब टेस्टिंग करते हैं ना तो वहाँ पे काफी सारे हमारे पास है ना ऑटोमेटेड स्कैनर्स होते हैं, ठीक है। तो अब है ना एज ए स्टूडेंट लेवल है ना आप है ना परचेज नहीं कर सकते, और कई बार अपन क्रैक्स वगैरह निकालते हैं ना तो क्रैक के अंदर क्या होता है कि आउटडेटेड वर्जन मिलता है मुझे, तो मतलब उतना हैपनिंग चल नहीं पाता, और मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप क्रैक यूज करो, ठीक है ना। तो आपको हमेशा है ना लाइसेंस लाइसेंस टूल यूज करना चाहिए, कंपनी के अंदर हम लोग लाइसेंस टूल ही यूज करते हैं, फिर कंपनी के अंदर हमें लाइसेंस सबमिट करना पड़ता है, ठीक है ना, कि भाई कौन सा लाइसेंस आप यूज कर रहे हो, लाइसेंस है नहीं है,
ठीक है ना। तो पर कई बार जब आप बग हंटिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आप नॉर्मल बग हंटिंग कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर का हो सकता है एक्सेस ना हो, या फिर आप क्रैकिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये टूल्स जो है ना, ये टूल्स भी बहुत अच्छे टूल्स हैं, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर ही है ये सारे सारे, और ये सब एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं। सबका एक स्पेसिफिक डिफाइंड वे होता है ढूंढने का, ठीक है ना। आई नितेश, तो वो चीज जो है ना वो बताने वाला हूँ आपको। जैसे मान लो कि ना सीएडी एवर हो गया आपका, ठीक है ना, डेव टेस्ट हो गया, निक्टो हो गया। निक्टो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो मैं टूल्स को रिपीट नहीं करने वाला, वरना उससे क्या कि आपका टाइम भी खराब होगा और सेम मेरा टाइम भी खराब होगा। जिन टूल को मैं ऑलरेडी, निक्टो को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ ऊपर वाले में, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में निक्टो कवर कर लिया है ना, तो ये कवर नहीं करूंगा मैं, ठीक है। और उसके अलावा वर्ब सूट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो वो आज सेशन में अपन कवर नहीं करने वाले, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे जैसे डब्ल्यू बी स्कैन में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसमें सीएमएस के अंदर, तो वो कवर नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी मैं आज जो कवर करने वाला वो है ये सीएडी एवर हो गया हमारा, डेव टेस्ट हो गया, उसके अलावा स्किप फिश हो गया, ये सारे सारे वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। समझते, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो होता है ना, करता क्या है कि ये आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा उसमें कितने बग्स हैं, ठीक है ना, और वो चीज आपके सामने देगा आपको। अब बता दूं मैं आपको कि जब आप है ना, जैसे मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी काफी सारे लाइसेंस टूल पे मैं हैंड्स ऑन करता ही रहता हूँ मैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं आज जैसे टेस्टिंग के दौरान मैं एक टूल यूज कर रहा था, वापिती मैं यूज कर रहा था, मैंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए इस टूल को चलाया एक वेबसाइट के अगेंस्ट में, भाई मेरा वर्ब सूट उतने बग्स निकाल नहीं पाया जितना वापिती ने दे दिया। सो आप कभी भी किसी ओपन सोर्स टूल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो काफी सटीक इन्फॉर्मेशन दे आपको एज कम्पेयर टू अदर लाइसेंस टूल। ये पॉसिबल है व्हेन यू रन डिफरेंट सॉफ्टवेयर अगेंस्ट सेम टारगेट। अगर आप एक सेम टारगेट के अगेंस्ट में अलग अलग सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो ना, देन यू अंडरस्टैंड कि ना बॉस, अलग अलग सॉफ्टवेयर में कौन सा टूल आपको कितनी जेनरिक इन्फॉर्मेशन, कितने ना ज्यादा बग्स दे पा रहा है, ठीक है ना। अपन मतलब ज्यादा बग्स से ये नहीं कि फॉल्स पॉजिटिव दे पा रहा है, पर हाँ कितने एक्यूरेट बग्स दे पा रहा है आपको। तो ये चीज आपको तब समझ में आती है जब आप ना एक सेम टारगेट के अगेंस्ट में मल्टीपल टूल्स चलाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने भी आज वापिती को चलाया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि बॉस, मतलब इसकी पहली बात तो ये एक ना कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है, सो जब कमांड लाइन के थ्रू आप चलाओगे ना, तो उसके अंदर कमांड्स कमांड्स डालने पड़ते हैं, पर इतना कोई बड़ा कमांड नहीं, सिंपल कमांड से मैं जो भी दिखाऊंगा अभी आपको चला के भी, ठीक है ना। तो पहली बात तो वो कि कमांड से थ्रू चला लेते हैं अपन इसको। उसके अलावा ये रिपोर्ट भी बना के देता है, स्किप फिश हो गया, वापिती हो गया, ये दोनों जो है ना ये आपको रिपोर्ट बना के देंगे। तो आपको गुड इवनिंग ब्रदर, लव यू फ्रॉम डार्क एजी, थैंक यू सो मच ब्रदर, ठीक है ना। तो बाद में आपको कि ना ये जो टूल्स है ना, मतलब ये काफी यूजफुल है, क्योंकि ना पहली बात तो ये रिपोर्ट ही बना के दे, और रिपोर्ट से क्या होता है चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है हमें, क्योंकि रिपोर्ट में सारा डिटेल लिखा रहता है। अभी जैसे आप ना किसी सॉफ्टवेयर को रन करके बग्स निकालोगे ना, ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाएगी, पर अगर वो रिपोर्ट बना के देगा तो डेफिनेटली वो यूआरएल देगा, उसका हेडर देगा, मतलब उसका रिक्वेस्ट देगा, रिस्पॉन्स देगा, प्लस उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी का थोड़ी सी कुछ लाइनें लिख के देगा आपको। तो वो काफी हेल्पफुल होती है टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्ट क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गेटिंग अ पॉइंट। तो वो चीज दे रखा है। अब देखा कि यहाँ पे अपन ने पहले अपन टूल चला रहे थे डेफ टेस्ट है हमारा, ठीक है ना। अब कई बार डेफ टेस्ट करता क्या है, बेसिकली सर्वर के ऊपर फाइल अपलोड, फाइल क्रिएट, रिमोटली रिमोटली फाइल अपलोड, फाइल क्रिएट करने की परमिशन को आइडेंटिफाई करता है मेरा डेफ टेस्ट, ठीक है ना। कि अगर मान लो कोई यूजर जो है, कोई अननोन यूजर जिसने ऑथेंटिक नहीं है, जिसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं है उसके पास, क्या वो कोई डॉक्यूमेंट को वहां पे अपलोड कर पा रहा है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हो, मतलब .exe फॉर्मेट में हो, या कोई .phi फाइल को अपलोड कर पा रहा है वहां पे, या फिर कोई पर्टिकुलर उसको परमिशन किस लेवल की है, वो चीज हमारा डेव टेस्ट करके देता है। अगर आपको कोई ना शेल इंजेक्शन टाइप की वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करना है ना, या डायरेक्टेड ट्रैवर्सल अटैक को टेस्ट करना है, या फिर पर्टिकुलर आपको ये चेक करना है कि डायरेक्ट ट्रैवर्सल अटैक तो नहीं, पर हाँ जहां पे फाइल अपलोड करने का कोई ऑप्शन आ रहा है कि भाई अपलोड करके आप कुछ बैकडोर ले सकते हैं, जैसे शेल वगैरह अपन डालते हैं, पहले अपन साइट में वल्नरेबिलिटी, साइट में अपन फंक्शन ढूंढते हैं कि भाई कहीं पे अपलोड का फीचर है नहीं है। अगर फाइल में अपलोड का फीचर है, साइट में अपलोड का फीचर है, तो फिर वहां पे अपन शेल अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली अपलोड करना है, तो आप डेव टेस्ट का यूज कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन टूल है, और इसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या इस सर्वर पे, जिस सर्वर पे ये एप्लीकेशन अपन ने होस्ट कर रखी है, वहां पे मैं इन टूल का यूज करते हुए कोई फाइल को अपलोड कर सकता हूँ कि बिना उसके परमिशन के। तो ये चीज चेक करने के लिए आप डेव टेस्ट का करते हैं। ये बेसिकली डिटेल के अंदर आपको तीन चार टेस्ट परफॉर्म करेगा डेव टेस्ट जो है, और उससे आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई आपको इस सर्वर पे कितनी परमिशन है और क्या क्या काम आप कर सकते हैं, गड़िया पॉइंट। अब सर्वर पे क्या होता है, देखो दो तरीके की परमिशन इनेबल होती है उसके अंदर। एक सर्वर पे क्या होती है, जैसे मान लो आप कोई भी साइट का नाम डाला, स्लैश लगा के अपन
कोई भी डायरेक्टरी का नाम डालेंगे ना, तो वो अपन को अलाउ नहीं करेगा, लिखा जाए कि है ना, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस डायरेक्टरी, गेटिंग अ पॉइंट। जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ये साइट मैं ओपन कर लेता हूँ, या फिर ऐसा करो मैं दूसरा अपना लैब ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें एक फोल्डर निकालता हूँ मैं DBWA का ही, डॉक्स DOCS, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे गया URL के अंदर, मैंने DBWA के आगे ऊपर URL में देखे हैं आप, DBWA के आगे मैंने DOCS लिख दिया, स्लैश मार दिया, अब दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इसने मुझे डायरेक्टली अलाउ कर दिया कि बॉस आओ, दिख रहा है आपको डायरेक्टरी, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे से मुझे डायरेक्टली अलाउ कर दिया, दिख रहा है ना आपको, ये इंडेक्स ऑफ ये, तो मैंने जब स्लैश लाकर डाला ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे इसने अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे फिर दो तरीके की परमिशन होती है, एक तो मेरे को व्यू ओनली परमिशन है कि भाई मैं व्यू कर सकता हूँ, एक होता है कि मैं वहां पे कुछ क्रिएट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो डेव टेस्ट के अपन हेल्प से अपन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉस क्या मुझे इस सर्वर के ऊपर कोई फाइल क्रिएट करने की, कोई फाइल अपलोड करने की, या कोई ऐसी फाइल मुझे अपलोड करने की जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में हो, कोई मालवेयर अपलोड करने की परमिशन है या नहीं, ठीक है ना। डेव टेस्ट ऑटोमेटिकली खुद ही ये फाइल क्रिएट करता है और आइडेंटिफाई करता है कि अलाउड परमिशन है, ठीक है। उसके अलावा इसका जुड़वा भाई जो है ना, मतलब जुड़वा भाई मतलब दूसरा जो टूल है वो कौन सा वाला है, यहाँ पे आता हूँ मैं आपके सामने, और वल्नरेबिलिटीज में जाते हैं अपन, और कैड एवर दे रखा है। कैड एवर जो टूल है ना, इसके थ्रू अपन उस सर्वर में, अगर आपको परमिशन है तो वहां पे कोई भी अपने सिस्टम से कोई शेल आपने डाउनलोड करा हुआ अपने कंप्यूटर के अंदर, उसको अपन अपलोड करके उस सिस्टम का बैकडोर एक्सेस ले सकते हैं। ध्यान दें मेरी बात को, बहुत गौर से सुनिए, कि इससे तो अपन मतलब वो दोनों चीजें पॉसिबल है ऐसे, पर मैं आपको सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप समझे इस चीज को प्रॉपर तरीके। डेव टेस्ट से आप ये आइडेंटिफाई कर लें उस सर्वर पे आपको क्या कुछ अपलोड करने की परमिशन है, कुछ फाइल क्रिएट करने की परमिशन है, और कैड एवर से अपन क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मैंने कोई शेल डाउनलोड कर रखा है जो शेल बैकडोर एक्सेस दे सकता है। अब बैकडोर कुछ लोग पूछ रहे होंगे, फाइनल सर इज बैक, थैंक यू सो मच रियल अड्डा, ठीक है ना। अब हो सकता है कि जैसे मान लो आप बोल रहे थे तपन सर ये बैकडोर क्या होता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा बैकडोर मतलब कैसे। तो बैकडोर आपको पता है ना, जैसे घर घर होता है हमारा ना, मेन अपना घर होता है, मेन गेट होता है, मेन गेट से अपन एंटर करते हैं, ठीक है ना। पर आपको होता है ना कि ना आप किसी से मिलना है, तो आप जब किसी से मिलने जाओगे ना, तो आपको क्या लगता है, आप मेन गेट से घुसोगे पिताजी के सामने, अरे भाई हम उनसे मिलने आए हैं उनकी गलियों के अंदर, और आप हमें जूत लगाइए क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपके उससे मिलने आए, समझ में आ रहा है। तो आप मेन गेट से जाना पसंद नहीं करोगे, आप ढूंढोगे कोई ऐसा कोई खिड़की हो गया कि चढ़ के मैं चल जाऊं बाहर, मिलके एक बार शक्ल देख लूं, ठीक है ना, दिन मेरा सुधर जाए। तो बेसिकली आप एक बैकडोर ढूंढोगे उस घर के अंदर। सो सेम ऐसे ही हमें सर्वर पे एक बैकडोर क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि सीधे हम एडमिन तो है नहीं ना, हमें हमारे पास पासवर्ड है, एंटर तो नहीं कर सकते। तो हम एक फाइल अपलोड कर देंगे उस सर्वर में, जिस सर्वर पे, उस सर्वर पे जब मैं उस फाइल का पाथ डालूंगा तो मैं उस सर्वर में एंटर कर जाऊंगा। तो काफी लोग बोलेंगे तो करके दिखा दो यार एक बार, तो थोड़ा सा क्लियरिटी का लेवल और थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो ना आपको अडेज, अच्छा हाँ, तो इस तरीके से फाइल अपलोड होती है, ऐसे बैकडोर बनता है, और ऐसे अपन इस फाइल के अंदर डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चलेगा ना उसके अंदर। तो पहले अपन एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कोई लाइव सर्वर को लेते हैं अपन और टेस्ट कर देख लेते हैं कि भाई उसके ऊपर डेव टेस्ट जो है ना क्या परफॉर्म करता है, क्या परमिशन अलाउड है नहीं है। अब बता दूं मैं आपको कि हमारा अभी चल रहा है टेस्टिंग एनवायरमेंट, ये चीज जब आप रियल टाइम में जाओगे तो हो सकता है कि जिन सर्वर्स के ऊपर इस टाइप के बग्स होंगे उनमें आपको एक्सेस मिल जाएगा और वहां पर टेस्ट आपका पास हो जाएगा। क्योंकि अभी अपन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है जिन सर्वर को अपन चूज करें उन सर्वर पर इस टाइप की परमिशन इनेबल ना हो। मैं चाह रहा था कि मेरी काली और विंडोज दोनों आपस में सिंक हो जाती ना, तो थोड़ा सा इजी रहता मुझे और दिखाने के लिए, पर अभी वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो बेसिकली बता रहा हूँ मैं अभी आपको, पहले अभी अपन लाइट डायरेक्टली टेस्ट से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। कुछ होता है तो दिख जाएगा सामने, और नहीं हो पाया, नहीं वो है ना उसमें बग्स नहीं होगा, तो वो मना कर देगा, ठीक है ना। पर अपन को टेस्ट करने का तरीका सेम रहना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। रियल टाइम में अगर बग होगा तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा, एंटर कर जाओगे आप, फाइल अपलोड कर दोगे, और फाइल कौन सी अपलोड करनी है वो मैं दिखा दूंगा, और वो अपलोड करके कैसे तुम्हें एक्सेस लेना ये मैं तुम्हें डमी पे दिखा देता, ताकि तुम्हारे माइंड में हो जाएगा तो सर यहाँ से डाउनलोड करनी है फाइल, ये सर्वर पे अपलोड करनी है, अब अपलोड करने के लिए अपलोड फीचर यूज कर लो, या फिर डायरेक्टली ये कैडेवर के थ्रू अपलोड कर दो, कोई भी आप मेथड यूज कर लो अपलोड करने के लिए, फिर URL हिट मारना है, बैकडोर एक्सेस मिल जाएगा और चल जाएगा। मैं एक्चुअल में अभी ना, मैं जब प्रिपेयर कर रहा था सेशन, तो मैं शायद वो फाइल डाउनलोड नहीं कर पाया हूँ, मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है,
तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं उसको भी ढूंढ लूंगा मेरे लैपटॉप के अंदर, पर लाइसेंस चल रहा है सिस्टम तो मैं खोलूंगा नहीं, तो मैं डाउनलोड करने की कोशिश करूंगा, अगर मिलता है तो डाल दूंगा, वरना मैं आपको फाइल का लिंक दे दूंगा बाद में कमेटी पोस्ट के अंदर, चलेगा ना? चलो ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं ना। सच में आ गया होगा कि भाई डेव टेस्ट करता गया, तो सिंपल सा कमांड है, आपको कोई भरोसा कोई ना, ऐसे नहीं कि भाई बहुत बड़े बड़े हैकिंग है कमांड मारने और फिर भाई अपन भाई मतलब समझ में नहीं आ पाएगा, याद नहीं रखता, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, दो पिद्दी सा कमांड है, अगर आपने एक बार याद रहना टूल का नाम हेल्प भी डालोगे ना तब भी बग देगा वो आराम से, इतना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना? सिंपल सा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, डेव टेस्ट डालना, मैं कमांड भी आपके सामने चल रहा हूँ, अगर आप कॉपी पेन मेंटेन कर रहे हैं, जैसे मैंने बता रखा है सारे बच्चों को कि जो बच्चे हमारी सीरीज अटेंड कर रहे हैं तो वो कॉपी पेन लेके बैठे भाई, कालनेस के सारे टूल्स के कमांड्स के साथ वहाँ पर एक नोट्स बना लो, ठीक है ना? और नोट्स बना के तपन भाई को भी शेयर कर देना, क्योंकि मेरे पास पीपीटी फॉर्म है, ठीक है ना? तो डेव टेस्ट करना अपने, डेव टेस्ट स्पेस देके हाइफन यूआरएल डाल दो, स्पेस देके अपना साइट का लिंक डाल दो, ठीक है? अब कुछ लोग बोलेंगे तपन सर इसमें तो और भी कमांड होते होंगे, वो क्यों नहीं करा रहे आप, है ना? बहुत सारी चीजें होती है ना, बता दूं मैं आपको भाई, आपको लाइव सिनेरियो में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप है ना एक एक टूल को बहुत डिटेल में चलाने बैठोगे, ठीक है ना? आप चला लो एक बार, देख लो, अगर चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे आ जाओ। और अब दे दूं मैं यहाँ पे कि भाई आपको यहाँ पे डेव लोकेशन दे दी, जो यहाँ पे जिसका डेव डायरेक्टरी इनेबल हो, ठीक है ना? तो अगर वो मिलेगा तभी जाके आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? आप देखो लोकल उसमें मेरी डेव डायरेक्टरी तो होगी नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है ना? देखो यहाँ पे DW है, यहाँ पे कोई है नहीं अपने पास, ठीक है ना? तो मैं दिखाता हूँ आपको, पर ना आप वहां पे डेव डायरेक्टरी ही यूज करना, उसी को परमिशन देगा ये, अदरवाइज परमिशन नहीं देगा, ठीक है? तो आ जाते हैं अपन यहाँ पे डेव टेस्ट, थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाइफन यू URL, और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम डालना पड़ता है आपको, ठीक है ना? जो भी डेव डायरेक्टरी होती है उसका नाम डालना पड़ता है यहाँ पे। तो अभी हमारे पास अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली वो लैब डेवलप नहीं कर पाता, मैंने दिखाता मैं वो करके डायरेक्टली, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात है, अभी डायरेक्टली मैं ऐसे एंटर मार देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आया टेस्टिंग डेव कनेक्शन, अभी देखो इसने ओपन करा और फेल हो गया, ऑपरेशन फेल्ड, यू कैन ओनली, देखो यहाँ पे यू कैन ओनली ओपन अ कलेक्शन डायरेक्टरी, ठीक है ना? आप सिर्फ ना ओपन कर सकते हो, पर यहाँ पे मुझे किसी और टाइप की परमिशन नहीं दे रहा, फेल हो गया ये, क्योंकि ये चला नहीं। अगर यहाँ पे डेव की परमिशन होती, अपलोड करने की परमिशन होती, तो ये डायरेक्टली पास हो जाता और मैं उस पर कुछ ट्राई भी कर सकता था, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ता है कि बॉस कनेक्टिविटी जो है प्रॉपर, मतलब कि ना उस सर्वर के ऊपर आपको कुछ अपलोड करने की परमिशन है या नहीं। तो देखता हूँ कि मेरे सर्वर पर अगर एक्सेस मिल रहा है तो मुझे 138। ठीक है, सर्वर को इसको रीस्टार्ट मारता हूँ, ठीक है ना? ताकि अगर मान लो कुछ अगर इशू होगा मेरे कॉन्फ़िगरेशन का तो वो हट जाएगा। हाय निशांत, हाय अंकित, जय हिंद जय हिंद, ठीक है ना? पर रिस्टार्ट मार लेते हैं एक बार चेक करने के, क्योंकि मेरी लैब जो है इस पे चल रही है, अगर इसमें चल रहा था तो मैं भी डेव टेस्ट दिखाता, मैं आपको डायरेक्टली डेव टेस्ट का यूआरएल डालता सीधे मैं एंटर कर जाता, अपलोड कर पाता फाइल वगैरह को, पर अभी नहीं हो पा रहा, ठीक है ना? तो आपको डेव टेस्ट के लिए, इसके लिए आपको एक टूल मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको डेव टेस्ट की ना डायरेक्टली सर्च आउट करनी है तो उसके लिए टूल बता रखा हूँ मैं आपको, DIR बस्टर जो टूल है ना वो ढूंढने के ये काम आता है आपको, ठीक है ना? अगर वो चला दोगे तो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर देगा कि भाई हाँ आपको अलाउड है या नहीं उस पर एक्सेस, ठीक है ना? जब टेस्टिंग करते हैं ना भाई, तो एक टूल से दूसरे टूल जो होता है ना वो लिंक होता है, तो इसलिए जब भी पहले अपन चलाते हैं तो भाई पहला टूल चलाया अपन ने, चलाने के बाद उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो सेकेंड लेवल पर हम आते हैं, ठीक है ना? तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना एक बार। तो अगर आपको कभी भी डेव टेस्ट चलाना है तो पहले क्या करना, आप एक बार डायरेक्टरी DIR बस्टर चला लो, उसे चेक कर लो कि वो डायरेक्टरी है नहीं, अगर मैप हो रही है तो वो डायरेक्टरी का लिंक आपको डालना पड़ता है नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल में, ठीक है ना? डेव टेस्ट करने के लिए देता एक बार क्या आईपी एड्रेस आ रहा है, 138।
मैंने कोई रूल तो नहीं बना रखा इनेबल हो गया हो, करप्ट हो गया ना, दिख गया मुझे, ये आपस में खुल जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, 192.168.138। यहाँ खुल रहा है, बाहर नहीं खुल रहा है, एक्सेस नहीं दे रही। राहुल हमारा लोगो लगा के बैठा है, बेस्ट लेफ्ट कौन सी है? अच्छा सर कोई डायरेक्टरी का वर्ड लिस्ट दीजिए जिसमें मिनिमम फॉल्स वर्ड हो। बट डायरेक्टरी का आप बेटर है डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। फॉल्स वर्ड तो ऐसे कि भाई है ना, जो जिस फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे सिस्टम के अंदर फाइल्स हम लोग यूज करते हैं ना, जिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है उन्हीं के नाम हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा सटीक बैठता है, फॉल्स वर्ड उसमें कम होते हैं। और देखो यहाँ पे एक्सेस नहीं मिल रहा ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली यहाँ पे अपन ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी सही आ रहा है, ये रहा है ना 405 मेथड नॉट अलाउड, तो बेसिकली यहाँ पे अपन को अलाउ ही नहीं करा उसने एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरीके से अपन को ये चेक करना पड़ता है कि बॉस है ना, जो ये फाइल है अपन अपलोड कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना डेव टेस्ट का कर सकते हैं यूज, जहां पे डेव टेस्ट काम कर रहा होगा तो वहां पे अपलोड की परमिशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अगर मान लो अपलोड की परमिशन मिल रही है, वैसे अपलोड तो डायरेक्टली यहाँ से भी हो जाता है, पर आप एक और टूल का यूज कर सकते हैं, वो है कैडेवर, आई नथिंग। ये कैडेवर जो है ये भी बहुत बढ़िया टूल है, इसको भी सॉरी 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 ठीक है, कैडेवर दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जैसे मान लो मैंने पूरा साइट का नाम डाल दिया, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कैडेवर चलाना है, उसके फिर साइट का नाम जो भी है आपका, फोल्डर का नाम, कुछ फोल्डर नेम डाल देना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पूरा एक फोल्डर का नाम है और ये दे रखा है कि ना कोई तो फाइल वगैरह दे रखा है, मैं इसको एंटर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया इसने कि 405 मेथड नॉट अलाउड, तो यहाँ पे एक्चुअल में इसने अलाउ नहीं कर रखा, अगर अलाउ होता तो ये मुझे एक्सेस देता, ठीक है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसने अलाउड नहीं कर रखा, कनेक्शन अलाउड नहीं है, और ना ये मेथड इसने अलाउड नहीं कर रखा, वरना मैं वहाँ फाइल पे अपलोड कुछ कर पाता है, ठीक है। और अगर मान लो लेट सपोज यहाँ पे आपको जब आप ये ना इसमें जाओगे लाइव साइट्स पे जाओगे, वहां पे किसी जगह अगर आपको ना वेब डेव इनेबल मिल गया, तो उस कंडीशन में क्या करना है वहां पे, अगर मान लो लेट सपोज कि मेरे डायरेक्ट मेरे सर्वर पे मैंने कोई फाइल रखी, मेरे सिस्टम पे कोई मैंने फाइल रख रखी है, चलो कोई दिक्कत नहीं राहुल, कर लो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। पुट करके अगर आपने पुट बेसिकली कोई भी चीज अपलोड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, होम स्लैश काली, ठीक है ना, स्लैश डेस्कटॉप स्लैश पास डॉट टीएक्सटी, मेरे पास एक पास डॉट टीएक्सटी फाइल पड़ी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको अपलोड करना इस सर्वर पर, अगर मुझे एक्सेस मिलता है सर्वर पर, अगर मेरी ये जो मेरा टेस्ट पास होता है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं बेसिकली ये फाइल पुट के थ्रू ये फाइल अपलोड करने की कोशिश करूंगा, मैं कहाँ पे सर्वर पे, एंटर मार दिया, देखो इसने दिया कि ना फर्स्ट ट्राई रनिंग ओपन फर्स्ट, तो बेसिकली से बता दिया आपको कि आपको ओपन करना पड़ेगा तभी जाके आप, मतलब अगर कनेक्शन ओपन होगा तभी जाके आप इस कमांड चला सकते हो और सर्वर पे कुछ अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको चला नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो बेसिकली समझ में आ गया आपको, तो पहले वो ये चेक करना है कि डेव टेस्ट के थ्रू भाई ये ना वेब डेव जो है ना आपका इनेबल है नहीं है, अगर वेब डेव इनेबल है और परमिशन आपको अलाउड है वहाँ पे डायरेक्टरीज क्रिएट करने की, तो उस कंडीशन में आप ऐसे आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, कमांड्स आपको यही यूज करनी है, पर वहां पे लाइव सिनेरियो में अगर वल्नरेबिलिटी होगी एक्सप्लॉइट हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं हो पाएगा, जैसे अब एरर आ रहा है वैसे ही एरर आएगा। हाँ भाई ईएमआई का ऑप्शन आप चेक कर लेना एक बार, नो नथिंग ब्रो, आप एक बार ऑफिस से चेक बात कर लेना, अगर आपको डिटेल नहीं मिलेगी आप एक बार चैट बॉक्स में आके फॉर्म भर देना, ठीक है, तो आपको डिटेल मिल जाएगी, और एक बार जाके आप है ना उनसे पूछ लेना कि भाई ना उसमें ईएमआई का भी ऑप्शन है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वन शॉट नहीं देना आपको। एक सेकेंड मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स को,
ठीक है समझ में आ गया। तो भाई इस तरीके से आप है ना दोनों टूल का यूज कर सकते हो, दोनों जो है ना ये वेब डेव को ही चेक करने का काम आता है। वेब डेव चेक करेगा और चेक करने के बाद उसके अंदर अगर वल्नरेबिलिटी होगी वेब डेव की तो डेफिनेटली वो उसको अपलोड करने की परमिशन दे देगा, और वहां पे अपन शेल को अपलोड कर सकते हैं। शेल जो होते हैं ना वो किस टाइप के होते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। भाई मालवेयर क्वेश्चन होता था मैं लास्ट में ले लूंगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपको बहुत सारे ना शेल्स मिल जाएंगे, डाउनलोड बैकडोर शेल, लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू सो मच ब्रदर। ठीक है थैंक यू सो मच। मैं जनाऊ रहमान, थैंक यू सो मच ब्रदर। और ट्राई करना, मतलब बांग्लादेश से बहुत प्यार मिल रहा है हमारे चैनल को और आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं चैनल के कंटेंट को, थैंक यू सो मच गाइस। नो नथिंग एक बार बोल देना कि तपन से बात करा दो, ठीक है ना। बोला कि यूट्यूब का सब्सक्राइबर हूँ, तपन से एक बार मेरी बात करा दो, तो फिर वो बात करा देंगे, तो फिर मैं देख लूंगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ना एक बैकडोर दे रखा है, मैं ये एक बहुत अच्छा बैकडोर है, ये मैं भी कई काफी जगह यूज करता हूँ। एक्चुअली हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो हम इस यही बैकडोर डालता हूँ, मैं दिखा देता हूँ मैं कि क्या है बैकडोर और कैसे ये काम करता है। पहले फटाफट इसको डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर लो। अरे 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 भाई बहुत सारे आ गए, इतना सारे, चलो सबको ना डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट, है ना। बैकडोर की लिस्ट, तगड़ी लिस्ट है भाई, ठीक है ना। देखो ये सारे शेल्स हैं इसको आप डाउनलोड करते हैं, बहुत बढ़िया लिस्ट है, बहुत ये बहुत बढ़िया लिस्ट है, डाउनलोड कर लेता हूँ मैं इधर ही, ठीक है। मतलब आज लाइव सेशन में एक्चुअल में आग मिल गया आपको, मतलब ऐसे शेल्स मैंने एक्चुअल में ढूंढे नहीं, मिले तो नहीं बट ढूंढे नहीं, पर आपको बहुत बढ़िया शेल मिल गए हैं। इन्हें स्टडीज है, व्हाट आर मैंडेटरी भाई, इसके अंदर आप डोज कर सकते हैं, डोज अटैक कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर स्टैटिक वेबसाइट है तो आप चेक करें कोई ना फॉर्म वगैरह अगर है वहाँ पे, इनकेस कोई फॉर्म वगैरह है तो डेटाबेस हैंग कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रूट फोर्स मार सकते हैं वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, ये परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप सर्वर रिलेटेड कोई ना इंजेक्शन होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अंकित दूंगा मैं क्वेश्चन, कहाँ से दूंगा, एंड में दूंगा, पर अभी नहीं दे पाऊंगा, है ना। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, दिख रहा है आपको दो तरीके यहाँ पे शेल दे रखे हैं, एक दे रखा है ASP.NET और PHU, मतलब कि अगर मान लो ध्यान दे ये चीज, अगर मान लो लेट्स मुझे बंगाली हूँ मैं, ठीक है ना, तो मुझे बंगाली आएगा, ठीक है ना, मुझे बंगाली आएगा। तो अब क्या है कि अगर मुझे बंगाली आएगा तो बेसिकली अगर कोई मुझे कोई बंदा मुझसे बात करना चाहता है, मुझे बंगाली में बात बात करनी पड़ेगी, मैं तभी रिप्लाई कर पाऊंगा। तो ऐसे ही होता है कि अगर मान लो कोई वेब एप्लीकेशन जो ASP.NET पे डिजाइंड है तो आपको उसके लिए ASP.NET का ही शेल चाहिए, अगर कोई साइट PHP पे डिजाइन है तो उस पर उसको PHP का ही शेल चाहिए, ठीक है। एक बात तो अभी आपको चूज करना है कि मुझे कौन सा शेल यूज करना है, तो मेरी साइट जो है वो PHP की है, ठीक है ना। तो PHP की है तो ये आ रहे सारे सारे PHP के शेल्स, इन्हीं शेल को आपको सर्वर पे अपलोड करना होता है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा एक बार, तो समझ में आया सर, प्लीज कल इसका टर्मिनल चेंज करो लाइव, पैरेट OS के कैसे चेंज करो लाइव, टर्मिनल चेंज करो लाइव, मतलब समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है ना। तो अभी अपन इनका दिख रहा है ना आपको, बहुत सारे शेल दे रखे हैं, ये सारे बहुत तगड़े तगड़े शेल हैं, जिसमें B374 के तो मैं भी यूज करता हूँ, काफी जगह मैंने यूज करा है, फिर P0WNY-Shell ये मैंने काफी जगह यूज करा है, ठीक है ना। ये दो तो मैंने काफी फ्रीक्वेंटली यूज करे हैं अपने टेस्टिंग के दौरान, बाकी मुझे पता नहीं है। लव फ्रॉम यूपी, थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू आदर्श, इफ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल काइंड ऑफ बग्स, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है आपके लिए, कि भाई आप भी काफी चीज सीख सकते हैं इस वाले सेशन से, ठीक है ना। अब देखो ये जैसे लेट सपोज कि मेरा B374K का मेरा कोई शेल है, अगर ये शेल सर्वर पे कोई भी डाल दे, अब ये फाइल अपलोड फीचर फीचर के थ्रू जाए, या कोई पेन ड्राइव से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे, या वेब डेव की इनेबल होने की वजह से कोई अपलोड कर दे, तो उसके बाद कोई भी आपके सर्वर का डायरेक्टली एक्सेस ले सकता है बिना यूजर नेम बिना पासवर्ड के। ध्यान दे मेरी इस वल्नरेबिलिटी को,
अच्छा टर्मिनल कलर का, ठीक है हाँ चेंज करता हूँ बिल्कुल मैं। समझ में आ रहा आपको, मतलब कि आपके आपके सर्वर पे कोई भी डायरेक्टली एक्सेस ले सकता है, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, और सर्वर का रूट एक्सेस मिलेगा उसको। ध्यान दे, सर्वर का रूट एक्सेस मतलब कि वो आपके सर्वर को कुछ भी, मतलब एक सर्वर पे अगर मतलब 50 फाइल डली हुई ना, 50 साइट होस्टेड है ना, उन 50 साइट को एक साथ वो उड़ा सकता है। इवन रिसेंटली अभी जो है ना, DBWA का वेबसाइट भी हैक हो चुका है। DBWA जो है ना खुद बगी वे एप्लीकेशन देता है, उसकी साइट भी अभी हैक हो चुकी है, अभी रिसेंटली की बात है ये। मैं आज मैं चेक करा था तो आई गेट टू नो। अब गूगल पर टाइप करो DBWA डाउनलोड, जब आप करेंगे ना तो पहला साइट इसका खुलेगा, दिख रहा है ना ये वाला सेकंड साइट जो DBWA.co.uk, दिख रहा है आपको ये वाला, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पर अभी इस टाइम पे इसके साइट को हैक करा जा चुका है, और ये यहाँ पे दिख रहा है आपको इस टाइप की मेडिसिन मिल रही है। तो ये किसी हैकर ने करा ये वाला काम है। एक्चुअल में DBWA कभी मेडिसिन नहीं बेचता, तो ये साइट भी हैक हो चुकी है। ठीक है सर, वेदर इट इज अ लाइव सर्वर और लोकल होस्ट सर्वर। भाई लोकल सर्वर पे अगर आप अपलोड करोगे तो लोकल नेटवर्क में एक्सेस ले सकते हो आप। जैसे लोकल सर्वर मैंने किसी सिस्टम पर डाल दिया है, तो मैं नेटवर्क के अंदर उसका आईपी एड्रेस प्लस वो फाइल का पार्ट डाल के नेटवर्क में एक्सेस ले सकता हूँ। पर अगर इंटरनेट वाले सर्वर पे करा है मैंने, लाइव सर्वर पे करा है, तो फिर पूरे वर्ल्ड में ले सकता हूँ एक्सेस उसका। ठीक है ना, करके दिखा रहा हूँ मैं, तो और समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं DBWA का मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं DBWA जो है ना, ये एक ना डमी लैब है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी जो रहेगी, जैसे आपने ना डेव टेस्ट के थ्रू आपने अपलोड कर दिया कोई फाइल, तो उसका एक्सेस कैसे लोगे, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको। ठीक है ना, तो ये आपको लाइव ही मिलेगा। सॉरी सर, वेफ बाईपास हो जाएगा ड्यूरिंग द शेल अपलोड, और या फिर फायरवॉल इसको रोक सकता है। बाद में आपको क्या ना ब्रदर, की ना डिपेंड करता है कि आप शेल कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर ये आइडेंटिफाइड शेल है, सर्वर ने पहले आइडेंटिफाई कर चुका है, तो रोक देगा उसको। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पेलोड्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, टूल्स के थ्रू शेल को अपलोड करना पड़ेगा, ताकि वो एनक्रप्शन उसमें रखे, ताकि डेटा जो है ना वो मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा तो फायरवॉल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो पहले आप नॉर्मल शेल को डाल के देखो, और वैसे मेरे हिसाब से शेल को आइडेंटिफाई कर पाना फायरवॉल का काम नहीं है। ठीक है ना, फायरवॉल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, अगर वैफ भी लगा रखा है वहां पे तब भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, आपके सर्वर पे वैलिडेशन लगे होंगे प्रॉपर, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन होगा, तो उस कंडीशन में इशू आ सकता है। ठीक है ना, अगर आपने क्लाइंट साइड वैलिडेशन नहीं लगा रखा तो डायरेक्टली अपलोड कर देगा। ठीक है ना, अगर सर्वर वैलिडेशन है तब भी तो उसको रोक देगा वो, या फिर आप इसके फाइल को जैसे .php को अलाउ नहीं करेगा, जैसे मान लो कोई प्रोफाइल है उसको वहां पे अपलोड कर रहे हो आप ही, और उसने .php को अलाउ नहीं कर रखा क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के ऊपर, तो दिक्कत आ सकती है। हाँ सर, DBWO भी है, 2 वीक पहले मैंने भी नोटिस किया था। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है ना, अब मैं दिखा रहा हूँ इसके करके, थोड़ा सा आप आइडिया कर लो कि अच्छा ऐसा होता है क्या। अब जैसे मान लो कि आपकी कोई वेबसाइट है, ये समझ लो कि ये आपकी लाइव वेबसाइट है, आपको जहाँ पे आप जा रहे हैं। ठीक है ना, आप किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं, सडनली यू फाउंड कि तपन भाई इसके अंदर मुझे एक अपलोड का फीचर मिल रहा है इस टाइप का। ठीक है ना, फाइल अपलोड करके चूज एन इमेज टू अपलोड। आप देखो इसके नाम से देखो क्या बोल रहा है, ये चूज एन इमेज टू अपलोड, दिख रहा है आपको चूज एन इमेज टू अपलोड। तो यहाँ पे इमेज मांगा हुआ है, तो कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए, .jpg .png इस टाइप की फाइल ही अपलोड होनी चाहिए। सही बात है, यहाँ पे .exe फाइल अपलोड नहीं कर सकते, यहाँ पे .php अपलोड नहीं कर सकते अपन, कोई और अदर एक्सटेंशन की फाइल अपलोड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जो इमेज फाइल को सपोर्ट करती है, .gif हो गया, .png, .jpeg, ये सारी फाइल अपलोड होनी चाहिए। पर अगर मान लो सर्वर में वल्नरेबिलिटी है, सर्वर में वल्नरेबिलिटी नहीं, बेसिकली ये एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी है, एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको अलाउ कर रहा है कि भाई आप किसी भी टाइप का फाइल अपलोड कर दो, मतलब कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन नहीं है, मतलब साइट का जो है ना जावास्क्रिप्ट आपने यूज नहीं कर रखे वैलिडेशन के लिए। हाई हाई फाई ब्रदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे गया मैं, डाउनलोड पे गया मैं, तो मैंने अपना जो मेरा शेल होगा, जो भी आपका शेल होगा, अब ध्यान दें इसके अंदर भी कि देखो भाई ये PHP की साइट है या ASP की साइट है, ये आपको पहले एक बार चेक करना पड़ेगा। वो चेक कैसे करते हैं वो भी अभी मैं टूल दिखाऊंगा आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है ना, वो भी अभी चेक कर लेंगे अपन, वो बाद में अपन कवर कर रहे हैं, पहले अपन ये कर रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे गया, तो मेरे पास शेल रखे हुए हैं, तो ये शेल में गया मैं, PHP का मेरे पास एक शेल है, ये मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ B374K मेरा शेल है। साई तेज, आई एम न्यू टू दिस चैनल, आई वॉन्ट टू बिकम पेंटेस्टर एंड आई एम फ्रेशर, सो प्लीज गाइड मी। तो ब्रदर आप इस वीडियो देखो, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, जिनको पेंटेस्टर बनना है उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं।
ये कार्डलिनस की सीरीज है, इसमें कार्डलिनस सारे टूल मैं कवर कर रहा हूँ। ये हमारी सिक्स्थ वीडियो है, इससे पहले पांच वीडियो कार्डलिनस के दो दो घंटे तीन तीन घंटे के सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूँ, सारे टूल कवर कर रहा हूँ। मतलब कार्डलिनस से कोई भी टूल हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो गाइस तो साइंटेज बैठो और इंजॉय करो, ठीक है। तो B3B374K जो है ना सिलेक्ट कर लिया मैंने, समझ में आ गया। देख रहा हूँ यहाँ पे अगर क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता तो ये मुझे सेलेक्ट करते ही रोक देता। यू कैन नॉट सेलेक्ट डॉट पी एच फाइल, प्लीज अपलोड, प्लीज ट्राई टू अपलोड सेलेक्ट डॉट पी एन जी डॉट गिफ एक्सटेंशन देता कि भाई इमेज फाइल अपलोड करनी है, वीडियो नहीं बनानी यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको। वीडियो नहीं बनानी, फाइल अपलोड, इमेज फाइल अपलोड करनी है, तो डॉट पी एच पी को अलाउ ही नहीं करता। पर क्लाइंट साइड वैलिडेशन नहीं था इसलिए मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर पाया यहाँ पे। अब अपलोड करने पे जाते हैं अपन। अब अपलोड करने पे भी अगर ये अलाउ कर देता है, मतलब कि सर्वर साइड पे वैलिडेशन नहीं है। वैलिडेशन मतलब कि रेस्ट्रिक्शन, किसी यूजर को रेस्ट्रिक्शन कि उसको क्या क्या कर सकता है वो। अगर कोई काम जैसे मान लो कि मोबाइल नंबर का फील्ड है, वहां पे तो ABCD डाल रहता है भाई, कौन सा मोबाइल नंबर ABCD से शुरू होता है भाई, यहाँ तो नंबर से ही होगा, न्यूमरिक से ही होगा मोबाइल नंबर, समझ में आ रहा है। तो वहां वैलिडेशन लगा रखा है कि नंबर ही डालने चाहिए, अल्फाबेट नहीं डालना चाहिए, दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। तो यहाँ पे भी हमने वैलिडेशन लगा नहीं रखा है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है कि आपको डॉट गिफ लगा, डॉट गिफ या डॉट जेपीजी नहीं लगाना, आप कोई भी ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाइपर ब्रदर, आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन को बर्ब सूट के थ्रू बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि बर्ब सूट जो है ना बेसिकली काम क्या करता है, वो प्रॉक्सी है, तो वो पहले ही ब्राउजर से रिक्वेस्ट लेके इधर आएगा, फिर यहाँ पे आप मैनिपुलेशन करो और फिर आप आगे भेज सकते हैं, ठीक है ना। अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, योर इमेज फाइल, योर इमेज वॉज नॉट अपलोड। अब देखो यहाँ पे क्या इशू आ गया, इसको बोलने का इशू, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ गया, ऐसे आना नहीं चाहिए। रिफ्रेश मारता हूँ मैं, ठीक है, होम पर आते हैं आप, इसे आप देख लेते हैं एक बार। वैसे यहाँ पे ये जो बग, ये जो वल्नरेबिलिटी है, मतलब यहाँ पे ये जो इशू है, आज वेबसाइट को नहीं मिल, अरे नहीं भाई आज ना करना है। ओके एडमिन की सिक्योरिटी मैंने लो कर रखी, तब भी नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मीडियम डाल देखता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले उसने क्या करा था, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसका ग्लीच आ गया, लो के अंदर इसके अंदर चल जाना चाहिए था, बता दूं मैं आपको, रियल बता रहा हूँ मैं आपको। साइटेज मैं क्वेश्चन लूंगा, पर अभी थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल पहले करा दूं, उसके बाद पहले प्रैक्टिकल सीलो से बताऊंगा, फिर मैं करें करेंगे भाई, माइक्रोसॉफ्ट पे लेंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फाइल अपलोड पे, जैसे मान लो कि आपने जब इसका सिक्योरिटी लेवल लो कर रखा हो ना, तो लो का मतलब होता है कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी नहीं है, गेटिंग अ पॉइंट। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन नहीं है तो भाई क्या होगा, उस कंडीशन में अगर मान लो आप फाइल अपलोड पे जाते हो और कोई फाइल सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट हो जानी चाहिए जो अभी नहीं हो रही है, ठीक है। देखा ना, इमेज फाइल वॉज नॉट अपलोडेड। अब यही चीजें मैं एक बार यहाँ पे ये भी ट्राई करके देख लेते हैं अपन एक बार। अपलोड की एक सेकंड दो मुझे, टेम्परिंग वो, ठीक है, इधर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, इस चीज को। हाँ दिख रहा है आपको, आप अभी देखो इसने क्या है कि डायरेक्टली इसने अपलोड कर दी, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जैसे अभी ये इस सिनेरियो में भी अपलोड हो जानी चाहिए थी, पर अभी इसमें नहीं हो पाया क्योंकि इसके अंदर कुछ इश्यू आ गया, ठीक है ना। जब आप लो सिक्योरिटी रखते तो इसका मतलब होता है कि आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन नहीं है इस एप्लीकेशन में, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहे अपन। अब देखो मैं ट्राई करता हूँ दूसरी एक इमेज लेके, हाँ देखो देखो अभी ये चल गया, वो फाइल नहीं चल पाई थी पर ये फाइल अपलोड हो गई, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, सक्सेसफुली अपलोड हो गई। तो अगर मान लो कोई आपको बैकडोर एक्सेस कहीं क्रिएट करना है, तो आपको सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी, एक ना फीचर ढूंढना है वेबसाइट का, वो है फाइल अपलोड का, जहाँ भी दिखे आपको। स्पेशली अगर लॉग इन हो रहा है तो प्रोफाइल के अंदर इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, या कुछ और चीज अपलोड करने का ऑप्शन, तो अपलोड वाला ऑप्शन ढूंढो और वहां पे ये पेज फाइल ट्राई करो अपलोड करने की। तो दीजिए इसने कि भाई हैकेबल अपलोड्स
फिर स्लैश लेके ये फाइल का पाथ का नाम है। अब ये पाथ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक कि आपने शेल शेल अपलोड कर दिया, अगर पाथ ही नहीं पता आपको तो आप उस लिंक को हिट ही नहीं कर पाओगे और उसके बाद एक्सेस नहीं कर पाओगे। समझ मारा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना इस चीज को, कि जब तक कि आपको उस फाइल का पाथ पता नहीं होगा उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। और देखो, दो डॉट स्लैश का मतलब बता रहा है कि पहली डायरेक्टरी बाहर आया फिर सेकंड डायरेक्टरी। डॉट स्लैश का मतलब होता है कि ना, एक डायरेक्टरी बाद फिर एक डायरेक्टरी बाद, ठीक है ना। जैसे अपन करते हैं ना सीडी डबल डॉट, तो एक डायरेक्टरी पीछे आता है वो चेंज डायरेक्टरी के अंदर। ऐसे ही लिनक्स के अंदर डॉट डॉट स्लैश हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, आपको सीधे जाना है यहाँ पे आपको ट्राई करना है। अपलोड के बाद आप पूरा का पूरा ये वाला पार्ट डाल दो, ठीक है ना। अपलोड के जस्ट बाद अपन डाल दिया ये वाला अपलोड जो था, यहाँ पे अपन हटा के ये डाल दिया हैकेबल, ठीक है। अभी यहाँ पर आ गया नॉट फाउंड, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे शेल मिल गया, मुझे दिख रहा है आपको। तो मतलब उसने दो फोल्डर दो डॉट स्लैश बोला था, मतलब कि दो बार पीछे आना था मुझे, दो फोल्डर पीछे आना था। तो अपलोड वाला पीछे है और वल्नरेबिलिटी वाला जब पीछे करके मैं जब उन दोनों को हटाया मैंने यूआरएल में, और जब मैं पीछे आया तो आई अंडरस्टैंड, या मैं मैग्निफाई करता हूँ, मैं दिख रहा है आपको थोड़ा सा, बताना एक बार जूम हुआ नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ होगा, पर एक बार बताना मुझे। वेरी गुड ब्रदर, वेरी बहुत अच्छी बात है, आपने प्लेट बनाया है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई एक बार जूम हुआ या नहीं, आप बता दो मुझे कि सर जूम हुआ या नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, फाइल साइज का अगर है उसको भी अपन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ डिस्प्ले जो था वो सॉल्यूशन था ब्रदर, एक बार लेता हूँ कि भाई मैंने मैग्नीफाई करा तो हो गया। चलो बहुत बढ़िया, हो गया हो गया, चलो ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं पीछे बैक करता हूँ और पीछे करता हूँ, मैं दिख रहा है कि अभी अपना क्या हुआ था, ये हुआ था हैकेबल अपलोड और ये इस पर्टिकुलर शेल का नाम आ गया, ठीक है ना। तो जब ये आया तो क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुली अपलोडेड। तो आपने फाइल अपलोड कर दी वहां पे, और क्या लिखा हुआ, डबल बार डॉट डॉट स्लैश, दो बार दो फोल्डर पीछे आना। तो पहला फोल्डर क्या हो गया, अपलोड हो गया इसके पीछे, और दूसरा फोल्डर ये वाला, इन दोनों के बाद जाके आपको वो पूरा का पूरा पेस्ट कर देना है। तो भाई ये पकड़ा और अपन ने ये पेस्ट मार दिया, ठीक है। ये पेस्ट मारते ये नया ऐड हो गया और ये सीधा सीधा अपना फाइल का पाथ आ गया जो अपन को मिल रहा है। एंटर मारता हूँ, मारने के बाद भाई ये शेल खुल गया, दिख रहा है आपको, इसका शेल एक कमांड लाइन शेल है ये। अब मैं यहाँ पे एलएस मारूं, अब देखो मैंने एलएस करा, दिख रहा है आपको, जब मैंने एलएस कमांड करा तो इससे इस एरर से मुझे क्या नजर आया, एलएस जो है ये एक लिनक्स का कमांड है। किसका कमांड है ये, लिनक्स का कमांड है, पर ये मेरा जो सर्वर होस्ट है ना विंडोज स्पेसलेस ने एलएस कमांड लिया नहीं, क्या दिया उसने, ls is not recognized as an internal external command operable program or batch file। तो भाई मतलब कि ls नहीं चलने वाला, तो हमें क्या यूज करना है, dir। ये दो कमांड मारोगे पर लाइक कौन सा सर्वर है आपका, बोल लो भाई dir करते चल गया। तो ये आ गया सी ड्राइव के अंदर, जैम कोई फोल्डर होगा, एसिड डॉक्स उसमें है और dw है और हैकेबल और यहाँ पे अपलोड कर गया, ठीक है ना। अब मेरा यहाँ जो अच्छा सब्सक्राइबर है, कोई भी सब्सक्राइबर जो मुझे अच्छा कमेंट, बढ़िया सा कमेंट मुझे फिर चैट बॉक्स में डालेगा, उसका मैं नाम बनाऊंगा यहाँ पे, फिर चैट बॉक्स में डालो फटाफट। चलो ऐसा करते हैं, चैट बॉक्स में डालने से बढ़िया फटाफट एक बार व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे अपने इस लाइव सेशन को शेयर कर दो, जो सबसे पहले करेगा शेयर और चैट बॉक्स में डालेगा डन, शेयर करने के बाद उसका नाम मैं डालूंगा, फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे उसके नाम से फोल्डर बनाऊंगा मैं। फटाफट फास्ट डालो फटाफट, आपको पहले अपना मोबाइल लेना है और शेयर करना है इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम लोग आज भी 1K व्यूज कंप्लीट करें हमारे सेशन एंड होने से पहले। थैंक यू सो मच ब्रदर, ठीक है ना, कर देना प्लीज गाइस, ठीक है। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे टर्मिनल एक्सेस मिल गया, इसे बोलते हैं टर्मिनल एक्सेस। तो अभी जो ये ना ये वाली जो वीडियो, ये वाला जो है जो मेरा शेल है ये वाला, ठीक है ना, ये आपको शेल एक्सेस देगा, मतलब कि ये आपको कमांड लाइन एक्सेस देगा। आप कमांड लाइन एक्सेस अगर उस सिस्टम का आपको मिल गया ना, तो सीएमडी से आप जो भी काम कर सकते हैं ना वो सारा कर सकते हैं अपन। तो भाई अपन यहाँ करते हैं, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है आपको दो फोल्ड एक दो डायरेक्टरीज है, डीआईआर डायरेक्टरी डायरेक्टरी, और ये फाइल है तो इसलिए कुछ नहीं ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कब बनी थी दे दिया है इसने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं आईपी कॉन्फिग करता हूँ, क्योंकि विंडोज है, दिख रहा समझ आ रहा आपको, विंडोज है, तो यहाँ क्लिक करता हूँ, दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा आईपी कॉन्फिग आ गया मेरा। तो विंडोज के सारे कमांड आप चला सकते हैं अपन यहाँ पे, दिख रहा है ये आईपी कॉन्फिग जो अपन ने करा इस सिस्टम का, दे देना पे विंडो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका आईपी एड्रेस भी आ गया हमारे पास, तो ये लोकल नेटवर्क का उसका आईपी एड्रेस है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो कम से कम मैं चाह रहा हूँ कि यार एक बार डीआर मार देता हूँ ऑफिस से, और यहाँ पे दो फोल्डर है, तो और आप यहाँ पे ना कुछ फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैंने एम पी डी आई आर करा और यहाँ पे डाला मैंने बी जी एम आई, ठीक है, एंटर मार देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ डी आई आर, ओ भाई दिख रहा है आपको बीजीएमआई के नाम से एक फोल्डर बन गया। 11 बजे 17 मिनट, मतलब अभी का टाइम दे रहा है ये कि अभी ये फोल्डर बना दिया अपन ने, तो मतलब दिख रहा है आपको किस लेवल पे एक्सेस हो सकता है। नहीं, रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस ग्राफिकल वाला नहीं मिल पाएगा, ये कमांड लाइन शैली है बस, ठीक है कोडी राजू। तो इस तरीके से आप किसी सर्वर के अंदर अगर अपलोड का वल्नरेबिलिटी होगा एंटर करके एक फाइल शेल अपलोड करके डाल सकते हैं। तो हमारा जो था ना वो डेव टेस्ट, डेव टेस्ट से हमें ये करना होता है कि अगर वेब डेव की वेब डेव वहां पे इनेबल है तो वहां पे सर्वर पे क्या मैं कोई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ रिमोटली या कोई फाइल अपलोड कर सकता हूँ, उस चीज की वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, उस एक वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन उसको यूज करते हैं। आई बगंटर ब्रदर कैसे, बढ़िया, ठीक है समझ में आ गया, ये चीज क्लियर होगी मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है आपको, कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। आ जाओ फटाफट नेक्स्ट वाले टूल के ऊपर, कहाँ चला गया, अरे गुरु जी कितने चला गया, ये रहा, बाहर आते हैं, आदर्श मिश्रा ने बताया मुझे कि पूछा कि तपन सर ये बताएंगे जरा आप कि शेल बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है। तो भाई इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, आप जाओ अपने शेल वाला जो फोल्डर है उसमें जाओ, तो बंद करता हूं मैं। भाई ये तू तड़ाके से कौन बात कर रहा है चैट बॉक्स के अंदर, तू हैकिंग जाता है, अरे भाई ऐसे मत करो यार, रेस्पेक्ट। आय अंश ब्रदर कैसे, बढ़िया, ठीक। अब देखो यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, शेल में जाओ आप, पीएचपी का शेल, अब जैसे मान लो कि मेरा ये वाला शेल था, ये सा कमांड है। सो बेसिकली ये आपको कमांड लाइन एक्सेस दे रहा है ना, ये सीएमडी, गेट सीएमडी दिख रहा होगा आपको, ये पूरा कोड है इसका। तो ये कोड जिसको पीएचपी आती है वो समझ सकता है इस चीज को, ये कोड में क्या है, ठीक है ना, और इस कोड की वजह से हमें रिमोट एक्सेस मिल पा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये हो गया ना, टाइटल वगैरह चेंज करना चाहें इसका तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ कलर वगैरह चेंज करना है अपने हिसाब से बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैं करता हूँ, करता हूँ, है ना, समझ में आ गया आपको। तो ये पूरा शेल है, ये सब कर सकते हैं अपन चीज यहाँ से। ये डार्क शेडो ब्रदर बहुत दिनों के बाद दिखे यार, ठीक है। तो ये था शेल का, अब आता हूँ वापिस से मैं अपने इधर, ठीक है। तो दो चीज आ गई अपन को समझ में, स्किप फिश ब्रदर, अब आग लगने वाली है भाई, क्योंकि देखो स्किप फिश जो है ना, अब देखो क्या है कि अब समझते हैं अपन स्किप फिश। अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना, जो आप मानना चाहो, छोटे भाई मानना चाहो, उसे बोलते अपन भाई मुझे ये बताओ कि ना, एक एक मिनट, अंश का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि अंश ने मुझे बहुत टाइम से पूछ रहा है हाउ टू रजिस्टर कंपनी। भाई इसके लिए आपको एडवोकेट से मिलना पड़ेगा, एडवोकेट या फिर सीए आपकी हेल्प करेगा कोई कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है ना। मैंने भी ऐसे ही रजिस्टर करी है शॉपएक्ट में, शॉपएक्ट पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप, अगर आपको कंपनी रजिस्टर करानी है, फर्म रजिस्टर करानी है तो आप एडवोकेट से मिल लें, अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी रजिस्टर करानी है तो आप सीए से मिल लें। अब इससे ज्यादा की इससे आगे की जानकारी सीए और अकाउंट एडवोकेट आपको दे पाएंगे। भाई ने क्वेश्चन पूछा है, हाँ सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बात करते हैं स्किप फिश। तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने मुझसे बोला है तपन भाई अपन कंपनी वगैरह में तो ठीक है मान लिया कि अपन लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पर ये जो कालीलेक्स में टूल दे रखे हैं ना, क्या ये भी एक एक्चुअल वल्नरेबिलिटी स्कैनर सॉफ्टवेयर है? तो मेरा उनको कहना है कि भाई बिल्कुल स्किप फिश और जो टूल दे रखे हैं अभी जो हम आगे बात करने वाले, वो भी एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर सॉफ्टवेयर ही है। इसको स्कैन करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, आप स्कैन करते किसी भी वेबसाइट को, बॉक्स बताएगा, बकायदा लिस्ट देगा सब चीजें। सर आपकी कंपनी का शेयर कितने का है? भाई हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड नहीं है तो इसका शेयर नहीं आता मार्केट में, ठीक है ना। तो फटाफट अपन स्किप फिश दे दें, स्किप फिश एक ऑटोमेटेड वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, लिख लेना इस चीज को आप कॉपी के अंदर भी, कि
कि इसके फिश जो है ना, एक ऑटोमेटिक वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो। भले ये कमांड लाइन में स्कैन करेगा पर रिपोर्ट आपको एचटीएमएल फॉर्मेट में दे देगा, जिससे आप बढ़िया से रिपोर्ट बना सकते हैं आराम से। तो चलिए फटाफट एक बार इसकी फिश को शेयर करते हैं और एक बार ट्राई करके देखते हैं, चला के देखते हैं भाई चलता कैसे और कैसे वल्नरेबिलिटीज वर्क्स वगैरह फाइंड आउट करता है। आते हैं ऑफिस इसके फिश के ऊपर। तो भाई ये अपना यहाँ पे देखो दे रखा है अपना काली वाली जो चल रहा है। अब यहाँ पे भाई ने आज बोला है मेरे राहुल भाई ने बोला था कि तपन सर आज आप है ना माइक्रोसॉफ्ट की नहीं ले रहे क्या? तो अब भाई ने बोला है तो अब लेना पड़ेगा राहुल, जस्ट फॉर यू वापिस से माइक्रोसॉफ्ट की लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, स्किप फिश से के थ्रू हमारा टारगेट हम लोग रखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट को और डिटेल निकालने वाले हैं हम लोग। तो स्किप फिश जो है ये ऑटोमेटेड वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, आप खुद भी कर सकते हैं यूज इसका। तो पहले मैं एक बार एलएस करके चेक कर लेता हूँ भाई, सीडी डॉक्यूमेंट चल जाता हूँ मैं, ठीक है यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ मैं। सर क्या सॉक एनालिस्ट, यहाँ पे प्रजेश ने क्वेश्चन पूछा है जो हमारे मेंबरशिप जिन्होंने ले रखा है कि सर सॉक एनालिस्ट रोल पेन टेस्टर से बेटर है क्या? नहीं भाई, सॉक एनालिस्ट की जॉब जो है ना पेन टेस्टर से बढ़िया नहीं है। सॉक वाले को भाई मेरा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है सॉक में, बिल्कुल नहीं है। मैंने सीखा हुआ है, मेरे को सॉक के काफी बड़े बड़े टूल भी चलाने आते हैं, मैंने सर्टिफिकेशन भी ले रखा है, पर मेरा 1% इंटरेस्ट नहीं, मैं खुद जाता नहीं हूँ। पेन टेस्टर की जॉब बढ़िया होती है, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। वैसे सॉक में भी चैलेंजिंग जॉब होती है पर वहाँ पे मोर ऑन मॉनिटरिंग पर्पज होता है और यहाँ पे इट्स मोर ऑन यू नो हैकिंग पर्पज होता है। वहाँ पे हमें बग्स जो मिल रहे हैं या फिर कोई इश्यूज आए तो वो क्लाइंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो सब चीज़ आता है। सर स्कैनिंग करना क्या इलीगल है क्या? नहीं भाई, बता दूं मैं आपको, स्कैनिंग करना कोई इलीगल नहीं है। आप किसी भी एसेट को स्कैन कर सकते हो, बस आप उसको खराब मत करो, ठीक है ना, आप उसमें इशू क्रिएट मत करो। अब इसके फिश दे रखा है मैंने, इसके फिश हाइफन ओ मतलब होता है कि भाई आपको किस में आउटपुट चाहिए, तो एक फोल्डर बना देगा वो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ किस नाम से, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद उसका नाम वेरी गुड भाई, वेरी गुड राहुल भाई, मुझे लिंक शेयर कर देना www.microsoft.com, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से अपन ने स्किप फिश का कमांड मारा, सिंपल सा कमांड है, ज्यादा कोई बड़ा कोई कमांड नहीं मैंने मारा है, ठीक है ना, देख लो आराम से। ओ स्कैनर वाला भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। एक्चुअल में आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना ये है ऑटोमेटेड वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर, बघंटर भाई की बता दूं मैं आपको, ये हमारा ऑटोमेटेड वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो कालिनक्स में अवेलेबल है वो मैं चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग नहीं कर रहे अभी हम लोग, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग का सेशन भी होगा अलग से चल रहा है, आप उसको अटेंड कर ले अगर आपको ऑटोमेटेड नहीं देखना, ठीक है। अपरों किसी से बैर नहीं है, जिसको लग रहा देखो, जिसको नहीं लग रहा कोई दिक्कत। सर मैं क्लास 12th में हूँ, अभी से 12th के बाद से मैं कौन सा कॉलेज लू हैकिंग के लिए। तो भाई ऋषि भाई अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है ना, तो एक बार चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके एक बार भर दीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्किप फिश हाइफन ओ मतलब कि आउटपुट एक फोल्डर में क्रिएट कर दे भाई ये माइक्रोसॉफ्ट के नाम से और स्पेस देके आप साइट का नाम। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ऑटोमेटेड स्कैनर जो है ना ये मैनुअल टेस्टिंग में कितना हेल्प करता है। मेरा मेन प्रायोरिटी होता है कि मैं मैनुअल टेस्ट करूँ, पर कई बार अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको पता होगा कि आपको कितना टाइम मिलता है मैनुअल टेस्ट करने का, ठीक है ना। और इंडस्ट्री के अंदर नहीं है और सिर्फ बग बाउंटी कर रहे हैं बाहर से बैठ के, तो एक अलग बात है, फिर तो आप 10 दिन लगाओ ना, 20 दिन लगाओ, 50 दिन लगाओ, हमारे 3 दिन के अंदर साइट टेस्ट करनी है, बग निकालो, और निकालनी चाहिए, और ना तो सुनते ही नहीं है। साइट सिक्योर है क्या मतलब है, कुछ नहीं, बग्स तो निकालो, और कम से कम 2 या 3 तो आपके क्रिटिकल होने चाहिए, उसके बिना तो मजा ही नहीं था रिपोर्ट में। मतलब पैसा मिल रहा है ना आपको, 50-60 हज़ार रुपये दे रहा है अगला बंदा 3 दिन की टेस्टिंग का, आपको क्यों दे रहा है? क्रिटिकल तो चाहिए उसके अंदर, कंपनी बोलती क्रिटिकल चाहिए, और अब वो निकालने के लिए टाइम कम है अपने पास। तो उस कंडीशन में आप स्किप फिश जैसे टूल का यूज होते हैं, स्किप फिश हो गया, वापिती हो गया। स्किप फिश तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसकी रिपोर्ट मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई भाई, फ्रेंकली स्पीकिंग, इसकी रिपोर्ट जो है ना ये मुझे समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। इसके बढ़िया वापिती आप यूज कर लो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंटर मार देता हूँ मैं, अब ये बोल रहा है कि ठीक है टिक्स लॉन्गर टाइम ये सब फलाना टीम का। अब देखो ये दिख रहा है इशू फाउंड, एक इंफॉर्मेशन, 0 वार्निंग, ये इसका स्टैटिस्टिक्स है, 2 इंफॉर्मेशनल वल्नरेबिलिटी मिली इसको,
ओ भाई दिख रहा है आपको, और अरे भाई ये क्या हो गया, 7-13 मीडियम दिख रहा है आपको यहाँ पे गाइस, दिख रहा है आपको, आपके सामने स्कैन कर रहा हूँ मैं microsoft.com को, समझ में आ रहा है आपका भाई, आपको लाइव ही दिखाता है हर चीज करके। राहुल ऑन योर डिमांड, ठीक है ना, 31 इन्फॉर्मेशनल, 3 वार्निंग, 5 लो, 17 मीडियम, अभी 0 हाई इंपैक्ट पे चल रहा है, दिख रहा है आपको इस लेवल पे अपन 92 डायरेक्टरीज अपन फाइंड कर चुके हैं, 25 दिख रहा है आपको यहाँ पे, अभी 18 वल्नरेबिलिटीज, मीडियम वल्नरेबिलिटी, दिख नहीं भाई एनमैप्स, एनमैप को आप चेन प्रॉक्सी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसके इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपन, अलग से आपको है ना प्रॉक्सी चलाना पड़ेगा, फिर एनमैप रन करोगे तो कर लेगा वो। 18 मीडियम वल्नरेबिलिटी भाई, क्या हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट को खुला छोड़ के बैठा हुआ है भाई, 18 मीडियम वल्नरेबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है, मतलब मैं ये नहीं बोला कि साइट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा, पर क्या है कि है ना मीडियम वल्नरेबिलिटी पैच होनी चाहिए बॉस, हम लोग लो को, लो इन्फॉर्मेशनल को इग्नोर कर सकते हैं, पर मीडियम तो भाई प्रायोरिटी में हम लोग पैच करते हैं, क्रिटिकल हाई मीडियम ये 3 वल्नरेबिलिटी हमेशा पैच होनी चाहिए जब भी टेस्टिंग होती है। अगर आप मीडियम को भी ले रहे हैं ना, अगर मीडियम को आप छोड़ रहे हैं तो आपको एक्सेप्शन लेना पड़ता है क्लाइंट से रिटर्न में दो, इस चीज के लिए कि आप जो बोले ना कि जैसे मान लो लेट सपोज HTTPS सर्टिफिकेट अभी इंस्टॉल नहीं कर रखा, आगे जाके इंस्टॉल करेंगे जब सर्वर लाइव जाएगा प्रोडक्शन में जाएगा, तो आपको उनको ईमेल पे लेना पड़ता है ये चीज, ईमेल पे रिटर्न में दो ये चीज कि आप ये कमिट कर रहे हो कि नेक्स्ट 2 महीने के जब प्रोडक्शन में जाएगा तो हम लोग सर्वर को HTTPS करेंगे, अदरवाइज मैं इसको पास नहीं करने वाला, तो इस टाइप की चीजें हमें लेनी पड़ती है, ठीक है ना। और देखो भाई 66 इन्फॉर्मेशनल, 10 वार्निंग, 7 लो और 22 तो वीडियो भी निकाल दी भाई, सच में आ रहा है। देखो ये पिद्दी सी टूल, छोटा सा टूल है, इसका नाम शायद बहुत लोग जानते ही नहीं हो, किसी को पता भी नहीं कि इसके फिश करता क्या है, पर यही बग्स दे देता है और ये काफी यूजफुल बग्स होते हैं, मैं ये नहीं बोला कि इनसे मुझे बाउंटी मिल जाएगी, पर ये सारे बहुत छोटे छोटे बग्स जो होते हैं ना ये काफी यूजफुल आपको है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनुअल टेस्टिंग करने के दौरान, जब मैनुअल टेस्टिंग करेंगे और अच्छा डेटा होगा आपके पास बग्स का, तो आप उसको टेस्टिंग कर करके उससे और डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाल के आप काफी कुछ रियल बग्स निकाल सकते हैं, तो ये एक अप्रोच है, डायरेक्टली मैं नहीं बोला कि, क्योंकि डायरेक्टली मैनुअल टेस्टिंग करेंगे ना, अगर एक वेबसाइट के अंदर 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस के अंदर हर एक पेज पर अगर मान लो 20 पैरामीटर भी है ना, आपकी लग गई 25 से 30 दिन कहीं नहीं जा रहे आपके लगने ही है उसके अंदर, और टाइम कम है तो फिर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा ऑटोमेटेड और काफी कुछ मैनुअल लेके चलते हैं। ये करता है ये सारे साइट को टेस्ट करेगा, सारे पैरामीटर टेस्ट कर देगा एक ही बार में और दिखा देगा भाई इन इन पैरामीटर बॉक्स है, जैसे मान लो जहां पे क्रशर स्क्रिप्टिंग है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, जहां क्रशर स्क्रिप्टिंग है तो वहां पे आप एचटीएमएल इंजेक्शन निकाल सकते हैं, वहां कमांड इंजेक्शन निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये अलग अलग लेवल की वल्नरेबिलिटीज निकाल सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए ना कि वो पैरामीटर वल्नरेबल होना चाहिए, वल्नरेबल नहीं तो क्या निकालोगे भाव, या ठुल्लू वी फाउंड दैट इट मे बी अ ट्रू नेगेटिव ब्रो, बिल्कुल बिल्कुल सौमित कुमार ने बोला है कि हो सकता है कि ये एक फॉल्स पॉजिटिव भी जनरेट कर रहा होगा, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, इसलिए कंपनीज कभी भी ऑटोमेशन के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करती है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स चलता है, ये ह्यूमन का माइंड नहीं लगाएगा कि भाई कैसे चल रहा है ये, समझ में आ रहा है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा, लेट सपोज कि आप इसने एक पेज के लिए रिक्वेस्ट करा, ठीक है, और रेस्पॉन्स में लेट सपोज कि कोई लॉग इन पेज है, ठीक है ना, लॉग इन पेज के लिए रिक्वेस्ट करा, रेस्पॉन्स में उसको कोड नजर आया, कोड के अंदर एक पैरामीटर था पासवर्ड, होता है ना कि जैसे लॉगिन के लिए लॉगिन वाला पैरामीटर, पासवर्ड के लिए पासवर्ड वाला पैरामीटर, तो इसने चेक करा कि रेस्पॉन्स में पासवर्ड मिला, वल्नरेबिलिटी हार्ड कोडेड पासवर्ड, अरे गधे पैरामीटर है वो, सॉफ्टवेयर समझेगा नहीं ये चीज, ये एक आदमी समझता है अच्छा ये तो हार्ड कोडेड पासवर्ड नहीं है, ये कहना पैरामीटर है पासवर्ड के नाम से, जिसमें आप इनपुट डालोगे तो वो सप्लाई होगा सर्वर के पास, समझ में आ रहा है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर और ह्यूमन के अंदर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का फर्क पड़ता है, इसलिए हम लोग मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, समझ में आ गया। बहुत जल्दी आएगी और सॉफ्टवेयर में बहुत जल्दी आएगी, लवली सर थैंक यू सो मच, सुफियाना लोच, सुफियान क्या बात है भाई, बढ़िया मजा आ गया, ठीक है ना। देखो 48 वल्नरेबिलिटी दिख रही है, अभी चलता रहेगा भाई बहुत सारा देगा ये बग, तो इतना नहीं करना अपन, कंट्रोल प्लस सी करते हैं, पूरा दिन नहीं लगाना, ठीक है ना। दिस वॉज अ ग्रेट डे फॉर साइंस, तो भाई मजा आ गया, मतलब इनके आप है ना, मतलब कल इसके टूल्स के आप टैगलाइन देखोगे ना तो मजा आता है कि भाई क्या चीज चल रही है, ठीक है। एक प्रजेश ने क्वेश्चन पूछा है कि AWS का वेफ को बाईपास करके वेबसाइट डिटेल्स कैसे निकालें, मैंने एक वेबसाइट पर फ्लड किया लेकिन लेकिन बिहाइंड फायरवॉल रिप्लाई, बिल्कुल आप फ्लड नहीं करते,
AWS के फायरवॉल का फ्लड नहीं कर सकते, सर्वर को फ्लड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। और इस सिस्टम से तो कुछ नहीं होगा, उसका हिलेगा भी नहीं वो, उसके लिए आपको सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे। भाई मैनुअल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि ना, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे आप एक एक पैरामीटर को मैनुअली चेक करते हैं, और एक एक पैरामीटर पे आप जितने भी वो होते हैं ना, क्या नाम है आपके, पेलोड्स, वो डाल डाले खुद चेक कर, जो अभी सॉफ्टवेयर कर रहा है वो हमें खुद करना होता है, दैट इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग। वो हम वर्कशीट से करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पीओसी हैकर वन वगैरह पे मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे नीरज ने एक रिपोर्ट सेव होगी, दिख रहा है आपको यहाँ पे रिपोर्ट सेव, माइक्रोसॉफ्ट और इंडेक्स डॉट HTML। अब इसकी रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं, भाई ये रिपोर्ट के अंदर क्या लिख के दिया है, ठीक है, रिपोर्ट एनालिसिस चल रही है हमारा, रिपोर्ट चेक करने वाले क्या दे रहा है ये लिख के। तो जाते हैं फाइल में, जाते हैं अपन, ओपन फोल्डर करते हैं, एक सेकंड हटाता हूँ मैं, और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट बनाइए अपने फाइल, ये रहा, यहाँ पे इंडेक्स वाला है INDEX, ठीक है ये आ गया। हाँ आदर्श भाई, इसके लिए लगता है बिलगेट से मिलना पड़ेगा भाई, बिल्कुल ब्रो बिल्कुल सही। अब देखो ये कितनी प्यारी रिपोर्ट दी है इसने, मतलब मैं फैन हूँ एक्चुअल में इन टूल्स का, मैं भी एक्चुअल में इन टूल्स का कभी यूज नहीं करता, पर मैं प्रैक्टिस दौरान कराता हूँ तो मैं कभी कभी यूज करता हूँ, तो मुझे दिखता है कि यार भाई अब है ना कार्लिंक्स भी अपने टूल्स का एक लेवल बना रहा है। देखो ये रिपोर्ट जो बना के दी है ना, ये काफी कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है इसने, जो आपके मैनुअल टेस्टिंग दौरान बहुत सारी चीजें काम करने वाला है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम HTTP के ऊपर और HTTPS दोनों दिखाया है इसने, दोनों के बक्स दिखाए उसने, ठीक है ना। हाँ ब्रदर लाइव हमेशा होता है हमारा, हमेशा ही रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम HTTP पे कितने बक्स मिले उसको वो दे दिया उसने, मीडियम रिस्क 32 है, और HTTPS के ऊपर कितने बग मिले आपको, 15 बग मिले हैं। ठीक है अब देखो यहाँ पे नीचे आते हैं अपन, अब देखो ये सारे इश्यूज हैं उसके, दिख रहा है ना आपको। तो एक्सटर्नल कंटेंट एम्बेड ऑन अ पेज, तो भाई एक्सटर्नल कंटेंट मतलब कि कोई लिंक वगैरह जो है ना वो उसने पेज पर एम्बेड कर रखा है जिसके ऊपर हाई रिस्क हो गया, क्योंकि हो सकता है कल के दिन वो चीज जो है ना वो सर्वर इफेक्ट हो जाए, तो वो लिंक भी इफेक्ट हो सकता है, इसलिए बोल रहा है, ठीक है ना। HTML फॉर्म विथ नो अपेरेंट XSR प्रोटेक्शन, तो भाई जब भी हम किसी सर्वर पे मतलब कोई पेज हो सकते हैं ना, तो पेजेस के अंदर काफी सारे सिक्योरिटी के पैरामीटर हमें सेट करने पड़ते हैं। वो हो सकता है कि आपका हेडर हो, ठीक है ना, हेडर के अंदर आप ना सिक्योरिटी कुछ है ना, हेडर से आप पास कर रहे हो, या फिर आप बेसिकली उसके ना फॉर्म्स के अंदर सी एस आर प्रोटेक्शन हो गया, इस टाइप की चीजें पास कर रहे हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा आपको। तो उस टाइप का प्रोटेक्शन इसको नहीं मिला, तो ये बता रहा है ये कोई सीरियस बग नहीं है, पर अगर ये एक्सप्लॉइट प्रॉपरली हो रहा है तो बग बड़ा हो सकता है। ये लाइव बाद में डाउनलोड कर सकते हैं ना, नहीं बता दूं आपको कि ये लाइव डाउनलोड नहीं होता है, अगर डाउनलोड करेंगे तो ऑडियो नहीं आएगी गाइस इसके अंदर। भाई कौन सी वल्नरेबिलिटी पे वेबसाइट कंट्रोल होगी, तो भाई कौन सी वल्नरेबिलिटी पे वेबसाइट कंट्रोल, तो इसके लिए कमांड इंजेक्शन अगर है, शेल अपलोड कर दिया है, तो उसके थ्रू आप साइट को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे और भी चीज दे रखी है, दिख रहा है आपको, तो ये जो है ये बेसिकली आपके ये लिंक भी दे, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये लिंक्स पूरे दे रखे हैं किन किन लिंक्स के ऊपर ये वल्नरेबिलिटी है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये इस लेवल पे रिपोर्ट निकाल के दे रहा है गाइस, है ना, समझ में आ रहा है आपको। और ये 47 रिस्क जो है ना, ये एक्सटर्नल कंटेंट एम्बेड ऑन अ पेज के ऊपर आए हैं, तो ये दिख रहा है आपको सामने, कलर भी मार्क कर रखा है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर मतलब कि मीडियम, और ब्लू कलर मतलब कि लो, और फिर यहाँ ग्रे दे रखा है मतलब कि ये इंटरनल वार्निंग है भाई, कि ये ऐसा वार्निंग दे रखा है इसने, उसके अलावा ग्रीन मतलब इन्फॉर्मेशनल, ठीक है ना। और दिख रहा है आपको यहाँ पे सर्वर रिलेटेड कुछ इश्यूज भी यहाँ पे एड्रेस कर रखे हैं, कि भाई ये चीजें होना चाहिए, इनकरेक्ट और मिसिंग MIME टाइप, तो ये दे रखा है। अगर मान लो आपको इसके बारे में डिटेल और जानना है, थैंक यू सो मच ब्रदर, भाई अब बॉस अपना वेबसाइट हुआ तो क्या करना है, तो भाई अपना वेबसाइट हुआ ना तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले आप इस टूल मतलब हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, सारे टूल बता रहा हूँ मैं जिसके थ्रू आप साइट को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करने के बाद बग्स जो मिलेंगे ना फिर उसके ऊपर क्या करना बताऊंगा उसके बाद। अब दिख रहा है आपको शो ट्रेसेस क्लिक करोगे, ये आ गया रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट था, दिख रहा है आपको यहाँ पे उसने पेलोड डाल दो, वो पेलोड भी दिखाएगा आपको कि कहाँ पे पेलोड लगाया, और ये रेस्पॉन्स है, दिख रहा है। तो भाई इस तरीके से आप इसको मतलब बहुत बढ़िया टूल है ये, राम राम सर, राम राम सर। आर दीज
क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी बड़ा बता दूं मैं कि ना, ये जो चीज है ना, ये दोनों चीजें कवर करता है ये, ठीक है ना। सिर्फ क्लाइंट साइड ही नहीं, ये साइड की वल्नरेबिलिटी कवर करेगा। जैसा इसका डेफिनेशन होगा ना, जैसा सर्वर का डेफिनेशन होगा ना, इसका सर्वर डेफिनेशन वाला इसका डेटाबेस जिस हिसाब से पेलोड रखता होगा ना, उस हिसाब से बग्स दिखाएगा आपको ये, ठीक है ना। तो क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों कवर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसके फिश का एक बढ़िया सी रिपोर्ट बन गई। आई थिंक ये मजा आ गया होगा आपको देखे कि तपन भाई ये बढ़िया रिपोर्ट दिख रही है मुझे। अब इसी का आप ना पीओसी वगैरह लेके आप वर्ड में रिपोर्ट बना लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक टूल खत्म हो गया। तो भाई इसके फिश हमारा हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 267 गया है अभी। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप सब के सब हमारे लाइव सेशन को प्लीज एक बार लाइक कर दें, जो भी अभी लाइव आए हुए हैं, ताकि एटलीस्ट लाइक का हमारा स्कोर बढ़ जाए। और थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करने के लिए, अच्छा कंटेंट आपका भाई लेकर आया है, तो इसके लिए कम से कम एक व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा दें आप। तो व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर आप ये सेशन को शेयर कर दें, ताकि और लोग बेनिफिट मिल सके उन लोगों को, ताकि वो लोग भी ना हमारे सेशन को देख सके। और आज जो हमारा टारगेट है 1K करने का, 1K व्यूज करने का, वो अपन कंप्लीट कर सके। प्लीज सपोर्ट करने के लिए व्हाट्सएप चैट लगाए और लिखें ज्वाइन लाइव एथिकल हैकिंग क्लासेस फास्ट फास्ट। और जैसे ही आप इसको लिख लें, प्लीज चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए मुझे। भाई कोई झूठ डन मत लिखना, इसको नहीं करना वो मत लिखना, वो चलेगा मुझे। पर अगर आप एक्चुअल में शेयर कर रहे हैं तो प्लीज डन लिख दीजिए चैट बॉक्स में। और किसी को भी 1-to-1 कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, दिख रहा होगा आपको यहाँ साइड में लिखा हुआ है बिल्कुल। तो वहां पे जाके आप फॉलो कर लीजिए और वहां से आप उससे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके मैं प्रॉपर आंसर देता हूँ वहां पे, ठीक है ना। टेलीग्राम पे इतना एक्टिव नहीं हूँ मैं जितना मैं इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पे जाके आप ज्वाइन ज्वाइन कर लें, मतलब फॉलो कर लें हमारे अकाउंट को, और उसके बाद वहां से मुझसे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट होते हैं। फटाफट जो लोग कंप्लीट जो लोग शेयर कर लें वो डन लिख दें, जो नहीं कर रहे वो कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स गेम्स, थैंक्स ब्रदर, कोई इशू नहीं अभिषेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक्स राहुल, थैंक्स राहुल, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है वापिती। भाई इसका अलग सो आ गया, मतलब ये 12 सिंगा का जो दिख रहा है ना आपको लोगो जो है, ये एक्चुअल में उसी लेवल का टूल है। बाद में आपको कि अदर सीवी सर पबजी को हैक कैसे बनता है सर। और दादू मैं आपको गाइस के ना, अभी इस मंथ हम लोग ना विनिंग राइड करने वाले कोटा से लेके अजमेर तक के लिए। तो जो लोग अजमेर से या जयपुर से हैं तो प्लीज आप अजमेर आके मिल सकते हैं हम लोगों के साथ। तो विनिंग राइड करने वाले हम लोग 22 के ऊपर राइड करेंगे, तो सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम लोग एथिकल हैकिंग और फेमस कर सके। अभी तक काफी लोगों के पास में ये जानकारी नहीं कि एथिकल हैकिंग एक फील्ड होता है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ना एथिकल हैकिंग फील्ड को हम लोग फेमस करें। और सब एथिकल हैकर के आगे ईएच, जैसे इंजीनियर के आगे अपन लगाते हैं ना ईआर, डॉक्टर के आगे डीआर, तो भाई एथिकल हैकर के आगे भी ईएच लगना चाहिए एथिकल हैकर। तो इस चीज को हम लोग और फेमस करना चाह रहे थे, इसके लिए हम लोग बाइक्स पे रैली निकालेंगे एथिकल हैकिंग के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो आई थिंक कि ना आप सपोर्ट करेंगे भाई को, इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके काफी लोगों के साथ में, और 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे हम लोग एक ना विनिंग रैली निकालेंगे और एथिकल हैकिंग को और फेमस करेंगे अराउंड द ग्लोब। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अजमेर से, तो अजमेर आने वाले हम लोग, ठीक है ना, 2 हफ्ते के बाद, ठीक है ना। तो प्लीज मैं चाह रहा हूँ 2 हफ्ते के अंदर हम लोग जो हमारे ये 1300 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लें, और उसके बाद हम लोग एक नई रैली निकालेंगे, ठीक है भाई। व्हाट्सअप कैसे हैक करें, बिल्कुल इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा मैं, ठीक है, आपके बोलने पे लेकर आऊंगा मैं, टेंशन मत लो। भाई इतने क्वेश्चन मत डालो वरना स्पैम करते ही आपको टाइम आउट होकर जाएगा, गए टाइम आउट के ऊपर, ठीक है। अब वापिती जो है ना, ये बहुत बढ़िया टूल है, काफी लोगों को पता नहीं है, जो लोग शायद साइबर सिक्योरिटी में हैं उनको भी नहीं पता, जो काली चलाते हैं वो लोग भी इसको यूज करेंगे। कमांड लाइन टूल है तो इसको ज्यादा इतना दिमाग लगाता नहीं, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये एक ऐसा टूल है जो आपको बग हंटिंग में बहुत ही बढ़िया काम कर पाएगा। अगर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ढूंढ रहे हो ना, तो भाई इससे बढ़िया टूल वर्ब सूट भी नहीं है, प्रोफेशनल वर्जन बता रहा हूँ मैं आपको, वर्ब सूट भी नहीं है। जो मैं उनसे टारगेट चूज कर रहा हूँ, बस समझ नहीं आ रहा कि मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता तो टिप्स दो ना, कैसे टारगेट चूज करो। भाई टारगेट चूज करने के लिए आप कोई भी साइट पकड़ लो, आपको सिर्फ टाइम का वेट करना पड़ेगा, जिस टाइम पे आप
जिस टाइम पे उस साइड बग होगा तो तभी आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो कंटिन्यू आप टेस्टिंग करते रहे उसके अंदर, डेली आप उसको टेस्टिंग करते, क्योंकि हर दिन नए नए कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। साइड ऐसी चूज करें जिसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हो, ऐसे नहीं कि जो साइड एक बार बन गई और वो बना बना के छोड़ दिया फिर चेंजेस नहीं करा, तो उसमें बग्स मिलना मुश्किल है। पर जो साइड फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रही है उसको आप चूज करें, बेटर रहेगा। हाँ भाई पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो सीसीटीवी हैक का जो है ना दिखा दूंगा मैं आपको, आप कमेंट में सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो दे दूंगा मैं। ठीक है, तो बाकी चीजें टूल है ना, बहुत बढ़िया टूल है। अब इसको पेडल करके देखते हैं अपन कि भाई किस तरीके से काम करता है। सिंपल सा कमांड आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, wapiti-u का मतलब यूआरएल डाल सकते हैं अपन लोग। उसके अलावा -m जो है कौन सा मॉड्यूल अपन को यूज करना है, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, XSSE हो गया मतलब, ठीक है ना। उसके अलावा क्रॉस डिस्क्रिप्टिंग हो गया आपका, और XXE दे रखा ही है, ठीक है ना। ये तीन बग्स हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप वर्ब सूट से ये साइट लगाओ और वापिती से लगाओ, दोनों से लगाओ इस पर्टिकुलर साइट को टेस्ट पे, ठीक है ना। यू विल सी द डिफरेंस कि भाई किस में सबसे ज्यादा बग्स मिल रहे हैं आपको। वापिती एक ओपन सोर्स टूल है, आप इसको कार्लिनक्स के अंदर अवेलेबल है ये, आप इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी पैसे दिए हुए, और उसके लिए बेसिकली आपको पैसे देने पड़ते हैं। अंकित मैं बहुत जल्दी से वीडियो लेकर आऊंगा नेटफ्लिक्स अकाउंट के ऊपर, ठीक है ना। अभी मैं आंसर नहीं दे सकता ऐसा, क्योंकि अभी हमारा सेशन दूसरा चल रहा है। ठीक है, आई गन्नू यार, तो फटाफट चलते हैं अपन वापिती को चेक करते हैं। तो भाई वापिती आने वाला है, बहुत बढ़िया टूल है, मतलब मैं पर्सनली भी इसको यूज करता हूँ 2 घंटे के दौरान। अगर बोला कि तमन भाई से ऑटोमेट टूल यूज करते हैं, ऑटोमेट टूल नहीं, पर ये बहुत बढ़िया टूल लगा, मतलब जेनवनली मुझे सही लगा, और ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिसको लगता है नहीं लगता वो मुझे लेना देना नहीं है, पर अगर आपको लगता है तो आप यूज करो, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं बस यूज करो, पर मेरे हिसाब से मुझे अच्छा टूल लगा ये, ठीक है ना। आप आता हूँ मैं कमांड लाइन पे आते हैं अपन। ठीक है वापिती, हाँ देखो कमांड में ऑलरेडी डाला होता तो ये दिख रहा है मुझे, -u दिख रहा है आपको यहाँ पे, -u URL के लिए। तो अभी मैं ये टेस्ट साइट पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना, demo.testfor.net। -m से मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे SQL देखना है और XSS देखना है। अभी मैं दो ही को कर रहा हूँ, मैं और सबको नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। और एंटर करता हूँ, एंटर करूंगा चैट बॉक्स में डालो यस, तभी मैं एंटर करने वाला हूँ। यस सर एंटर करो, फटाफट डालो चैट बॉक्स के अंदर यस, ताकि मैं एंटर कर दूँ और फिर दिखाऊँ आपको कि क्रॉस आउट स्क्रिप्टिंग आप इससे 1 सेकंड रुक सकते हैं आराम से। बग हंटिंग के लिए एक नंबर का चुम्बेश्वरी ना मतलब टूल है ये, आप यूज करोगे ना वापिती को अगर बग हंटिंग के लिए, तो भाई आपको डेफिनेटली बग्स मिलेगा, और ज्यादा मात्रा में बग्स मिलेगा आपको। चैट बॉक्स में डालो फटाफट एक बार, गन्नू है बता दूंगा मैं आपको चैट, अभी ना कंप्लीट होने दो सेशन, इसको बताता हूँ मैं आपको। तीन टूल बचे हैं बस के बाद, नहीं दो टूल बचे हैं बस के बाद, ठीक है ना। फास्ट फास्ट गाइस फास्ट, चलो उसमें डाल दो फटाफट एक बार, यस यस यस, फास्ट फास्ट फास्ट, यस यस यस, वी वांट यस एंड वी वांट टू रन दिस टूल। ये बात फीचर फौजी, फटाफट वेरी गुड, यस यस वेरी गुड। अब एंटर मारते फटाफट इसको, ठीक है एंटर मारता हूं मैं। ओ भाई दिख रहा आपको, ओहो 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ओके ओके 1 सेकेंड रुक जाओ, मैं पहले डॉक्यूमेंट में आता हूँ, ठीक है। ठीक है देखो यहाँ पे मैं टूल रन करता हूँ, चलाया प्रीवियसली अटैक्ड एंड विल बी स्किप। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको एक बार चला रखा है, जिसने मुझे बोल दिया कि भाई ये ऑलरेडी आप एक बार रन कर चुके हो, तो एक बार आप वापस से एक बार देख लो, ठीक है ना। इसको आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप चाहें तो नई साइट भी चला सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ऑलरेडी मैंने यहाँ चलाया हुआ है, तो वो उसका रिपोर्ट दिखाऊंगा मैं आपको, और एक और किसी और नई साइट पर चला लेता हूँ मैं ना, एक और बगी लेता हूँ मैं साइट, कोई सी बगी साइट जो हो ऑकोनेटिक्स की ले लेते हैं, बहुत सारी है।
ये ले लेते हैं आप। टेस्ट पीएचपी डॉट वल्नरेबल वेब डॉट कॉम, ठीक है। हाँ वो ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर मारते हैं। भाई दिखा रहा आपको, यू आर लकी, फुल नोट फुल मून टू नाइट। तो भाई आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है, क्योंकि आज पूरा चांद निकला है। अब ये पूरा चांद कौन है भाई? हमारा वापिती ही है जो पूरा चांद है हमारा। समझ में आ रहा, मतलब किस लेवल पे रोमांटिक है आपका टूल। थोड़ा टाइम लेगा ये इसको रन करने, ठीक है ना, ये थोड़ा टाइम लेता ही है। और वेट कर लेते जब तक ना, तो भाई आ हाँ चला लॉन्चिंग, दिख रहा है? ओहो आ गया, दिख रहा है आपको एसक्यूएल इंजेक्शन? एसक्यूएल इंजेक्शन निकाल दिया, देखो कितने हैं। एक पहला एसक्यूएल इंजेक्शन, सेकंड, थर्ड, कितनी जल्दी निकाला, दिख रहा है आपको? अब जो लोग पहले ही बफर चला रहे होंगे या जो लाइसेंस टूल चला रहे होंगे, वो भी एनालाइज कर पा रहे हैं कि इतना जल्दी आपका लाइसेंस टूल कोई भी आप यूज कर लो नहीं निकालता जितना ये निकाल रहा है। दिख रहा है आपको एसक्यूएल इंजेक्शन? भाई आदित्य भाई, अगर आपका 12th हो गया है ना, तुम्हारा चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके भर दो, डिटेल में समझा दूंगा क्या करना है आपको। एसक्यूएल एसक्यूएल देखो, ये फिर देखो कौन सा एक्सेस मॉड्यूल आ गया, बक्स निकाल दिए। अगर इतनी जल्दी तो है ना, तो मैंने अपने सॉफ्टवेयर स्कैनर को है ना साफ ही करते रहोगे, उतनी देर में तो निकाल ही देगा ये बग। दिख रहा है कितने बग्स निकाल रहा है और कितने डिटेल में निकाल रहा है, यूआरएल के साथ। दिख रहा है आपको ये यूआरएल भी दे रखा है गाइस, मतलब आप समझ रहे, मतलब किस लेवल पे बग है ये, किस लेवल पे सॉफ्टवेयर है ये, इसलिए ये रिकमेंड कर रहा था मैं आपको। और आपको भाई हमेशा आपके लिए अच्छी चीज लेकर आएगा दिखाने के लिए कि भाई ये सब चीजें टूल तो बढ़ गई है। मैंने भी आज चला देखा, मजा आ गया मुझे चला के यार। दिख रहा है आपको इतने सारे बक्स, मतलब इतने सारे, और रिपोर्ट जनरेट होगी भाई हमारी, और वो यहाँ पे सेव है, ठीक है। अब चल के इसी रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया टूल? समझ में आ गया? थोड़ा चैट बॉक्स में डालो, ये सब समझ में आ गया टूल? समझ में आया क्या, कैसे निकाला, क्या निकाला? थोड़ा डालो चैट बॉक्स के अंदर, क्या क्या निकाला, फास्ट फास्ट टूल निकाला, थोड़ा देखो, थोड़ा चैट बॉक्स में डालो कि हाँ सर समझ में आ गया, यस सर लिख दो थोड़ा चैट बॉक्स के अंदर, फास्ट फास्ट गाइस। अरे 11:50 हो गए, 12:30 तक पढ़वाओगे क्या, पिटवाओगे घर वालों से मुझे? फास्ट फास्ट गाइस, चलो फटाफट जाते हैं वो चेक करने के लिए। तो भाई ये काली के अंदर कहीं ना कहीं दे रखा अपना, है ना। एक बार फिर से स्पीड से प्लीज भाई, कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है ना। वन मोर प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव सेशन का बेनिफिट ये होता है कि आप पर्टिकुलर इस चीज को, जो अगर आपको कोई डाउट है तो आप 100% पूछ ले, और लगता है कि सर ये प्रैक्टिकल समझ में नहीं आया, अगर ऑफिस से हो जाए तो वो भी चीज आपको मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। पर रिकॉर्डेड सेशन के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बस आप रुक जाओ, यहाँ पे वापस समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है मैंने, मैंने टूल रन करा, टूल में वापसी डाला, हाइफन यू कर दिया मैंने, ठीक है ना, यूआरएल डाल दिया यहाँ पे। यूआरएल डालने के बाद हाइफन एम करके मैंने मॉड्यूल डिफाइन करे, कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए। तो मैंने अभी फिलहाल दो ही मॉड्यूल डिसाइड करे थे, एसक्यूएल और एक्सेस। अब इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, अगर आप सारे डालोगे ना तो सारे बग्स आपको निकाल के देगा ये। अभी टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे और टाइम रहता है, आपको मैं रिपोर्ट भी दिखा सकूं और रिपोर्ट भी डिस्कशन अपना हो सके, इसलिए मैंने कम ही दिखाया आपको। बाकी अगर मैं सारे डालता ना भाई, तो ये सारे बग्स निकाल लेता और ये हर एक पैरामीटर को चेक करता है, इसलिए बेस्ट टूल मानता हूँ मैं इसको। और ये बता दूं गाइज मैं आपको कि ये आपके लाइसेंस टूल से भी ज़्यादा बग्स दिखाएगा,
सबसे ज्यादा बग्स दिखाएगा आपके ये लाइसेंस टूल में, अगर बफलो आप यूज कर रहे हैं, नेटस्पा का यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा बग्स दिखाएगा टेक्निकल बग्स। अब यार हेडर वेडर रिलेटेड इश्यूज वगैरह वो सब ज्यादा कवर नहीं करेगा, पर काफी कुछ दिखाएगा ये आपको। चलो फ्रॉड एक बार समझ दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन लग रहा है, डेटाबेस कौन सा है MySQL का है, URL दे दिया कहाँ लग रहा है इसके अंदर, वाया अब दे दिया यहाँ पे, देखो इधर का है ना आपका वाया इंजेक्शन इन द पैरामीटर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वाले पैरामीटर के अंदर आपका इंजेक्शन है, तो गेट रिक्वेस्ट है आपकी इविल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आर्टिस्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे पेलोड डाल रखा है, ये पेलोड है इसका एसक्यूएल इंजेक्शन का, ठीक है ना, और होस्ट आपका ये आ गया, इस तरीके से सारे रिक्वेस्ट को डिवाइड कर रखा है, समझ में आ रहा है आपको। भाई इसलिए जरूरी है थोड़ा सा पूरा, थैंक यू सो मच भाई, बड़ा इसलिए होता है ताकि ना मैं आपको एक चीज ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं, मैं मॉड्यूल्स का लिस्ट बिल्कुल उतार रहा हूँ। अरे भाई अभी रुको, अभी खत्म का हमारे सेशन अभी आ रहा है, उतार रहा हूँ मैं आपको, है ना। फिनिक्स भाई कैसे, बढ़िया, बहुत दिनों के बाद। अब देखो समझते फटाफट इसका एक बार, भाई इसका जो वो है क्या बोलते सर, इसका जो वो है रिपोर्ट है वो कैसा दिखता है, कॉपी थी रिपोर्ट जनरेटेड, ये रहा। अब देखो ये है सारे मॉड्यूल्स जो आप बोल रहे हैं ना, ये रहा बैकअप फाइल्स, ये मॉड्यूल वन, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, वीक क्रेडेंशियल, सीआरएलएफ इंजेक्शन, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका हेडर वाला आ गया, हेडर वाला सिक्योरिटी है ना, सीएसआरएफ आ गया आपका, पोटेंशियल डेंजरस फाइल्स, कमांड एग्जीक्यूशन, पाथ ट्रैवर्सल, एचटीएक्सएस बाईपास, एचटीटीपी सिक्योर हेडर, एचटीटीपी ओनली फ्लैग, ये सारे हेडर के चल रहे हैं, ठीक है ना, ओपन रिडायरेक्ट्स, सिक्योर फ्लैग, एसक्यूएल इंजेक्शन दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, नौ तो नौ आए भाई आपके एसक्यूएल इंजेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, बहुत डिटेल में दे रहा है ये। तो मैंने दो पैरामीटर यूज करे, दो मॉड्यूल यूज करे, समझ में आ रहा है आपको, इतने बग्स दे दिए, और अगर मैं सारे यूज कर लेता ना भाई आग लगा देता आग, ठीक है ना। प्रोसेस स्क्रिप्टिंग 15, इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे डिटेल दे देगा ये, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको, हाँ देखो यहाँ पे अभी एक एक्चुअल में है ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, जब आप इसको क्लिक करेंगे ना रिक्वेस्ट के लिए, एचटीटीपी रिक्वेस्ट में, तो ये शो नहीं कर रहा, लेकिन अब पर आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी भाई। आप इस पेज पे जाओगे ना, लिस्ट प्रोडक्ट डॉट पी एच पी के ऊपर कैट वाला पैरामीटर आपका अवेलेबल है, तो आप उसका कोई भी यूज कर लो सर, स्कैनर बिल्कुल, बग फाइंडर बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, पर एक स्टार्टअप के लिए, बिगनर के लिए मैं डायरेक्टली कोड दिखा के बग फाइंड आउट करने वाली बात नहीं है, ऑडियंस जितनी भी है सबको कोड नहीं आता, अगर मैं कोड वाला दिखाऊंगा तो सिर्फ कोड में ही चलेगा, ठीक है ना, तो इसलिए, और जरूरी नहीं है। एक और चीज अदू में बग हंटर का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया मेरे पास, मतलब इन्होंने मुझे आंसर दिया है कि स्कैनर पेंटर के लिए होता है, कोई भी हैकर भाई बस कोडिंग देख कर उसमें बग फाइंड कर लेता है। तो अब आपको पता टोटल कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास है अभी इस टाइम तक, क्या किसी एक एथिकल हैकर को वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, नहीं आती होगी। और जब हम टेस्टिंग करते हैं तो अब ऐसे नहीं कि अगर मैं पीएचपी मुझे जैसे मुझे पीएचपी आती है तो मैं ASP.NET टेस्टिंग नहीं करता, क्योंकि मुझे कोड दिखा, कोड देख के समझ में आना चाहिए ना कोड, तो अगर मैं चाइनीज दे दूंगा चाइनीज पढ़ने नहीं आती तो समझ पाओगे, तो बग ही ढूंढ पाओगे। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी एथिकल हैकर होते हैं उनको सारी लैंग्वेज आती होगी, ऐसा कभी नहीं है। वो क्रॉस प्लेटफॉर्म इसलिए टेस्टिंग कर पाते क्योंकि वो कोड पे ना रह के वो सोर्स कोड रिव्यू में आता है। शायद यहाँ पे बग हंटर का शायद पता नहीं कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला है, तो वो बता रहा हूँ ना, वो चीज होती है सोर्स कोड रिव्यू के अंदर, ना कि वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर हम लोग टूल्स के थ्रू, पैरामीटर्स के थ्रू ही करते हैं, कोड देखे कभी भी हम लोग बग फाइंड आउट नहीं करते, वो सोर्स कोड रिव्यू वाले के अंदर होता है भाई। कंपनीज के अंदर सोर्स कोड रिव्यू अलग होता है और वेब टेस्टिंग अलग होता है, थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, और इसी का पैसा चार्ज होता है अलग अलग हिसाब से। अगर अपन वहाँ पे सोर्स कोड रिव्यू कर रहे हैं तो OWASP टॉप 10 एज पर सोर्स कोड रिव्यू डिफरेंट होता है, वेब टेस्टिंग का OWASP टॉप 10 बिल्कुल डिफरेंट होता है, वेब टेस्टिंग के टूल्स डिफरेंट होते हैं, सोर्स कोड रिव्यू के अंदर सोनार क्यूब आ गया, ये सारे टूल्स हम लोग कवर करते हैं। वेब टेस्ट जब हम लोग सोर्स कोड रिव्यू करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बर्फ सूट यूज नहीं करने वाले, या फिर वहाँ पे हम लोग आपका ये क्या नाम है अब नेट्स पाकर नहीं करने वाले। सोर्स कोड रिव्यू दो तरीके से होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक के अंदर कोड सीधे डालते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, बग्स निकालता है और डायरेक्टली देता है कौन से फंक्शन आउटडेटेड है वो सब की वल्नरेबिलिटी देगा वो आपको। पर वहीं डायनेमिक के अंदर हमें कोड चला चला के देखना पड़ता है और वहां पे आके इशू, वहां जाके हम लोग बग्स फाइंड आउट करते हैं।
वेब टेस्टिंग डिफरेंट होती है। तो जो लोग दोनों बीच में कंफ्यूज होते हैं ना, तो प्लीज बता दूं मैं आपको कि दोनों अलग 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 होता है। हम लोग कंपनी में काम करते हैं, हमें पता है कि इस तरीके से हम लोग, क्योंकि हम लोग कोटेशन भी देते हैं और हमें पूछा जाता है कि भाई सोर्स कोड रिव्यू कर रहे हो, कौन सा टूल यूज कर रहे हो। बताऊंगा मैं सोर्स कोड रिव्यू के लिए नेटस्पा का यूज कर रहा हूँ, क्या बोलेगा? जैप प्रॉक्सी यूज कर रहा हूँ, क्या बोलेगा? नहीं यूज करेगा। बेसिक लेवल तक तो आनी ही चाहिए, बिल्कुल सही बोला, बेसिक लेवल तक आनी चाहिए, सारी सारी चीजें नहीं आनी। और बता दूं मैं आपको, जैसे मान लो कि आपने PHP कर दिया, ASP.NET कर लोगे, फिर जावा भी करनी पड़ेगी, फिर एप्लीकेशन टेस्टिंग आता है, उसके अलावा अदर फ्रेमवर्क भी सीखने पड़ेंगे, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। बेसिक लेवल तक आना चाहिए, बाकी सबका आपको टॉल से करना पड़ता है। ठीक है, बगंडर से आंसर मिल गया होगा, और बाकी बच्चों को भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बगंडर आपने। ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दो, क्योंकि शायद बग हंटिंग, वेब टेस्टिंग और सोर्स कोड रिव्यू को दोनों को लोग साथ में लेते हैं, पर दोनों अलग अलग होता है, दोनों का अलग ही कोटेशन होता है। थैंक यू सो मच आपको ये क्वेश्चन पूछने, ताकि मैं सबके डाउट्स भी क्लियर कर 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 पाया मैं इस आपके क्वेश्चन से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपने ले रखे, सारे सारे बक्स आ गए, इवन रेफरेंसेज दे रखे हैं आपके स्क्रिप्टिंग के भी और जो अदर चीजें दे रखी है, तो ये काफी यूजफुल होता है भाई इसके थ्रू, अगर आप बग्स ढूंढ देना और SQL के ये सारे रेफरेंसेस दे रखे। चलो थैंक यू सो मच आदित्य, आपको कॉल आ जाएगा, कल कॉल आ जाएगा आपको, ठीक है ना? और ये रेफरेंसेस दे रखे हैं SQL इंजेक्शन के, ठीक है ना? जितने आप बग्स ढूंढेंगे उसके अलग अलग के अंदर सबके रेफरेंसेस दे रखे होते हैं, तो टेंशन वाली बात है। तो ये बहुत बढ़िया मान लेता हूँ भाई, ये बहुत बढ़िया है, दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया टू रिपोर्ट दी है, तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके दिया है, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं यूज। अरे बगंडर भाई आपको नहीं बोल रहा, वो मुझे बोल रहा है। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां पे आते हैं दूसरे टूल के लिए। एक और चीज बताता हूँ, छोटा सा टूल एक और है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। भाई आपके जो भी डाउट्स है ना पूछ लिया करो, अच्छा रहता है। और मतलब ऐसा नहीं, मैं किसी की गलत नहीं लेता कभी भी, हर कमेंट का आंसर देता हूँ, भले ही वो मेरे से नेगेटिव हो या मेरे से पॉजिटिव हो। अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव बोल रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव लेने की कोशिश करता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि उस एक कमेंट से सबके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच, आप जितने भी कमेंट्स पूछते थे बहुत यूजफुल रहता है हमारे लिए, ठीक है ना? अपन पढ़ाने के लिए बैठे हुए, आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो काम कैसे चलेगा? अब एक और चीज़ है व्हाट्सएप, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते बॉस। कि भाई जो भी साइट आप टेस्ट करना, जैसे आपने देखा होगा जब मैं जब अपन ने शेल इंजेक्शन करा था ना, शेल में डाला था ls, तो कमांड बना कर दिया ना उसने, भाई ls डाल रहे हो क्या पागल इंसान है, कुछ चलेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपको उस सर्वर का बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी, तो आप व्हाट्सएप का यूज करो, ये बहुत अच्छा टूल होता है। सिंपल सा कमांड है, व्हाट्सएप डालो और फिर साइट का URL डाल दो। तो दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा कोई बड़ी डिटेल देता नहीं, पर हाँ ये काफ़ी यूजफुल होती है हमारे लिए। बगंडर आपके लिए नहीं है, पर जिस बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई मुझसे 1-to-1 क्लास लेनी है, उनके लिए मैंने चैटबॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, उसको जाके आप भर सकते हैं। भाई कंपनी की परमिशन लेने के लिए, अगर कंपनी ने डायरेक्ट परमिशन लेनी है, तो पहली बार उनको मेल लिख लो, उनके मेल पे आप डायरेक्टली मेल सेंड कर दो, सर आई वांट टू टेस्ट योर वेबसाइट टू फाइंड आउट अ बग, प्लीज अलाउ मी टू टेस्ट द बग, अलाउ मी टू टेस्ट योर वेबसाइट। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली बग बाउंटी प्रोग्राम्स पे जाओ, वहाँ पे डायरेक्टली साइट कंपनी जो है ना साइट लिस्ट करके देती है आपको, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप, दिख रहा होगा आपको, सिंपल सा कमांड है आपका व्हाट्सएप, व्हाट्सएप सॉरी व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप स्पेस demo.testra.net। इसका रीजन क्या होता है इसका चलाने का, ताकि ये बेसिकली ये टूल जो है ना ये सबसे पहले करना आप, ये जो मैंने टेस्टिंग वेस्टिंग तो मैंने करा दी है, पर ये टूल सबसे पहले चलाना आप, तभी जाके आप फिर वो शेल इंजेक्शन वगैरह या फिर ऑटोमेटिक टूल वगैरह चलाना, क्योंकि पहले आपको पता ही नहीं कि उसमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है ना वो किस टेक्नोलॉजी पर डिजाइन करी हुई है, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज करी, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसको करने का, ठीक है ना? तो वो चीज़ है, तो अपन ऐसा करके इसको अपन डालते हैं, एंटर करते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे साइट का नाम दे रखा है http://demo.testra.net 200 ओके दे रखा है अपाचे, तो भाई अपाचे पे डिजाइन कर रखा है सर्वर, ठीक है ना? तो मतलब लाइनक्स बेस्ड मशीन है ये आपका, ठीक है? आइडिया लगा लेते हैं अपन। कुकीज JSON ID दे रखा है यहाँ पे, उसके अलावा देखो यहाँ पे दे रखा है यूनाइटेड स्टेट पे सर्वर दे रखा है यहाँ पे इसका, उसके अलावा HTTP सर्वर, सर्वर कौन सा है अपाचे कोयोटे 1.1, तो यहाँ वर्जन भी आ गया हमारे पास।
और HTTP ओनली है रखा हमारा, जे सेशन आईडी दे रख दे दिया यहाँ पे, IP एड्रेस आपका ये दे दिया, और जावा बेस एप्लीकेशन, क्योंकि जावा एप्लीकेशन है, क्योंकि दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जे सेशन आईडी लिखा हुआ है, तो जे सेशन आईडी जो है ना कहाँ गए इधर, हाँ जे सेशन आईडी जो होता है ना वो जावा के लिए हम यूज करते हैं, PHP सेशन आईडी PHP के लिए हम यूज करते हैं, और ASP सेशन आईडी ASP.NET जो होता है सेशन आईडी वाला आता है। तो आपको कुकीज से पता चल जाएगा भाई ये किस कौन सी लैंग्वेज को डिजाइन कर रखा है, और टाइटल आपको दे रखा है यहाँ पे ऑल्टोरो मिचू। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं भाई, आंसर दे रखा है कि मैंने फॉर्म जो दे रखा है ना वो फॉर्म दे रखा है उनके लिए जो लोग मुझसे लाइव 1-to-1 कोर्स करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने एक फॉर्म दे रखा है, चैट बॉक्स में जाके भरना होता है, जो भरता है तो फिर उसको हम डिटेल प्रोवाइड करते हैं कोर्स के बारे में, या फिर कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए होता है उसके लिए हमने दे रखा है। भाई साइट की परमिशन की जरूरत नहीं है जब तक कि उस बंदे को नॉलेज ना हो साइबर सिक्योरिटी की, या फिर वो कंपनी डिपेंड करता है, जैसे ले लो तो ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ मैं तो, ठीक है ना, समझ में आ रहा आपको। तो यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल दे रखा है, तो ये है व्हाट्सएप का, समझ में आ गया। अब एक और लास्ट टूल जो बचा हुआ है वो है हमारा कॉमिक। कॉमिक हम क्यों यूज करते हैं, दिख रहा होगा ना आपको, जैसे कि दिख रहा है डायरेक्ट यहाँ पे, नहीं भाई नहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये लाइव ही रहेगी, वीडियो डिलीट नहीं होगी, आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिविजन कर सकते हैं, कोई शोली बात नहीं। डाउनलोड करोगे तो ऑडियो नहीं आता हमारी वीडियो के अंदर डाउनलोड करने के बाद, तो प्लीज डाउनलोड ना करें, लाइव सेशन में कभी भी वीडियो को आए रिवाइज करें देखें, और ध्यान दें जो जो जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, उसके अलावा पीछे वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि 5 कार्डनेस की ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, अब नेक्स्ट वाला सेशन जो रहेगा वो डेटाबेस हैकिंग पे रहेगा, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इतने टूल्स होते हैं बिल्कुल राजू भाई, बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो प्लीज आप सेशन अटेंड करते रहे तो बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। कॉमिक टूल जो दिख रहा हूँ ना, दिख रहा है इंजेक्शन दे रखा है, तो इंजेक्शन जो है किस चीज का, ये कमांड इंजेक्शन, सो OS कमांड इंजेक्शन के लिए बेहतरीन टूल है, अगर आपको ये चेक करना है कि भाई कि किसी पैरामीटर के अंदर OS कमांड इंजेक्शन लग रहा है लग रहा है, इसका मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, और टूल को चलाते हैं कैसे वो भी दिखाऊंगा, दोनों चीज दिखाऊंगा ताकि आइडिया सीधे आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है ना भाई। अगर आप इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे तो फटाफट हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग पे जाओ, मेरा मैसेज कर दो, मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, मुझे एक तो प्रॉक्सी वाला स्क्रीनशॉट लेना, आपका प्रॉक्सी का ऑप्शन जो है उसका स्क्रीनशॉट लेना वो भेजना मुझे, उसके अलावा मुझे ना आपका इंटरसेप्ट का मुझे भेज देना एक बार रिक्वेस्ट, ठीक है ना, वो मुझे हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग पर जाकर डाल देना, इंस्टाग्राम पे मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, इवन ट्विटर के ऊपर भी ब्लॉग अंडरस्कोर हैकर जो है उसके ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो मुझसे बात भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो कॉमिक्स जो है ये स्पेशली बनाया हुआ है OS कमांड इंजेक्शन, अगर आपको ये चेक करना है कि OS कमांड इंजेक्शन जो है अलाउड है नहीं है, तो उस कंडीशन आप कॉमिक्स टूल का यूज कर सकते हैं, सिंपल सा टूल दे रखा है, ये भी बहुत सिंपल है टूल, इसको डायरेक्टली आप चाहो ना तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, यहाँ जाके भी, यहाँ पे आपको इंजेक्टेल पैरामीटर देना पड़ता है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे मैंने क्वेरी इक्वल्स टू हाई, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पैरामीटर दो जहां पे आप कोई चीज इंजेक्ट कर सकते हैं, तो इंजेक्ट करने का मतलब क्वेरी इक्वल्स टू हाई, तो वहां पे वो हाई हटा के अपना पेलोड डालेगा और कमांड करेगा इंजेक्ट उसके अंदर, तो इसलिए आपको हमेशा कभी भी डायरेक्टली URL नंबर डालना, जैसे microsoft.com पर डाल देना, कोई ना कोई क्वेरी होनी चाहिए आपकी URL, जैसे जैसे अपन क्रॉस रेफरेंसिंग चेक करते हैं वैसे यहाँ पे भी इंजेक्टेबल होना चाहिए, तभी जाके आप उसके कमांड डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल यहाँ जाते हैं अपन कमांड के लिए, कॉमिक्स टाइप करता हूँ मैं, ये डायरेक्टली आप टूल यहाँ से भी खोल सकते हैं, एप्लीकेशन एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा कॉमिक्स, या फिर डायरेक्टली आप टर्मिनल में भी ओपन कर सकते हैं कॉमिक्स, दिख रहा होगा आपको ये टूल आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल दे दो भाई, है ना, इंस्टाग्राम पे मैं बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। अब एंटर मार देता हूँ मैं, अभी पूछ रहा है टेस्टिंग कनेक्शन टू द टारगेट URL, टेस्टिंग करना शुरू कर रहा है, और दीदी इसने कि यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड कुकीज वाइल सर्वर मस्ट टू सेट इट्स ओन, तो है ना अभी से बोल रहा है कि ये कुकीज यूज कर लूँ, तो मैंने यस, उसी से काम चल जाएगा उसका, तो बेसिकली कॉमिक्स जो है ना ये आपको डेटाबेस वगैरह निकालने का काम भी आता है, तो यूनिक्स सर्वर है हाँ, क्योंकि मैं पिछले टूल से ऑलरेडी निकाल चुका हूँ कि ये यूनिक्स सर्वर है, दिखाया था ना उसके अंदर अपाचे लिखा हुआ आ रहा था, तो लिनक्स बेस्ड सर्वर है वो, तो मैं यूनिक्स डालता हूँ उसके अंदर। अब ये टेस्ट कर रहा है क्वेरी वाले पैरामीटर को, SQL मैप जो है ना वो भी कुछ इस तरीके का ही टूल है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं यूज। क्या आपने कोई सर्टिफिकेशन किए हुए हैं हैकिंग फील्ड में, बिल्कुल भाई बिल्कुल मैंने करा हुआ है, आपने इसी काउंसिल का बग हंटर भाई, इसी काउंसिल का नाम सुना होगा ना आपने, नाम सुना इसी काउंसिल का,
चैडॉक सुना, बताना मुझे प्रॉफिट इसी काउंसलर का नाम सुना है क्या? इसी काउंसिल टाइम लेगा ये थोड़ा अपडेट, ये अपडेट होने में। तो बघंटर भाई ने सिर्फ सीएच कराया ना भाई, जो कोर्स आपने कराया ना उसका क्रिएटर हूं मैं, इसी काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, सीएच, सीएच एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, जो ग्लोबली एडवाइजरी बोर्ड मेंबर है ना, जिन्होंने सीएच कोर्स बनाया है, जो कोर्स आपने कराया वो जिसने बनाया है ना, उसका आईएमईए रीजन का मैं भी क्रिएटर हूँ, जिससे आप पढ़ रहे हो अभी, तपन कुमार झा, अनादि कलाकर। ठीक है भगंडर भाई, समझ में आ गया? तो आप जिससे कोर्स पढ़ रहे हो ना, जो आपको सेशन दे रहा है, वो खुद ही उसको का क्रिएटर है, जो आपने कोर्स कर रखा है। ठीक है चलिए, आ जाते हैं ऑफिस से कालनेस के ऊपर। ठीक है, अभी टेस्ट कर रहा है अलग अलग पैरामीटर, मतलब कि ये अलग अलग पेलोड्स ट्राई करेगा और बताएगा आपको कि ना क्या उसमें लग सकता है। थैंक यू सो मच भाई, अगर आपको मेरा पैन कार्ड पता है तो प्लीज आप उसको है ना, उस पर जो टैक्स में भरता हूँ ना वो आप प्लीज पे कर देना, इस बार मुझे नहीं भरना। वेयर वेयर आर यू बिलोंग सर? बिलोंग सर ऑफकोर्स फ्रॉम बिहार। तो भाई मैं बिहार से, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, फिलहाल रहता मैं मुंबई, दिल्ली, कोटा, कोटा मेरा मेन सिटी है जहाँ पे मैं रहता हूँ राजस्थान के अंदर, और बाकी दरभंगा से मैं बिलोंग करता हूँ। लेफ्ट टू राइट भाई, आप भी राइट वाइट करते हो क्या? चैनल लिखना चाहिए भाई आपको इस बात पे तो एक बार। बढ़िया यार, उत्तराखंड, अनसीन माउंटेन व्यूज, लाइट टू राइट। बढ़िया ब्रदर, मेरे को भी बहुत शौक है एक्चुअल में, मैं भी बाइक राइड करता हूँ, और अभी फटाफट मैं बाइक राइड करने वाला हूँ, मतलब 10,000 सब्सक्राइबर हमारे इसके ऊपर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं लहरिया सराय से दरभंगा में, अभी चल रहा है, मैं बात कर लेता हूँ, चलने दो पीछे भाई। बघंटिंग कैसे करे, जो चला रहा हूँ ना वही वीडियो चल रहा है, बघंटिंग कैसे करे सर? फॉर ईच स्कैनिंग एक थ्रेड डिफाइन करने के लिए बताया जाता है, व्हाट इज द थ्रेड? तो भाई थ्रेड जो है ना, गुड नाइट बॉस मॉम, ठीक है ना? तो भाई थ्रेड जो होते हैं ना वो डिपेंड, वो आपकी स्पीड को डिफाइन करता है, कि नंबर ऑफ थ्रेड जितना आप बढ़ाओगे ना उतने नंबर ऑफ कॉन्बिनेशन बढ़ाएगा वो, और उतना फास्ट आपका स्कैन चल पाएगा। तो इसलिए थ्रेड जो होते हैं ना, अगर आप नॉर्मल सेट करो अदरवाइज सर्वर डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए। थैंक यू सो मच एंडी। सो गाइज, अभी हम लोग 2 हफ्ते के बाद आप लोगों के सपोर्ट से अगर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, ट्राई करें कि आप 10,000 सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट कराएं, और आप भी करें, ठीक है ना? लव लव यू फ्रॉम तेलंगाना टू यू सर। अरे भाई तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर मैं कॉलेज में गया हूँ लेक्चर देने के लिए, और वो मैंने दिया था आज से 12-13 साल पहले, जब मैं बहुत छोटा था। रेड्डी, कोई रेड्डी रेड्डी रे कॉलेज था, कोई रेड्डी रे, मैं नाम भूल गया, वृद्धा रेड्डी कॉलेज शायद से। तेलंगाना में कोई रेड्डी कॉलेज है? वृद्धा रेड्डी कॉलेज है? अच्छा अरे मोड़न भाई बिल्कुल, अरे आप टॉप करोगे भाई, टॉप करोगे, आप टेंशन मत लो। अधूरा पीछे ये टेस्टिंग चल रहा है अपना, पीछे ये टेस्टिंग कर रहा है अलग अलग तरीके से। हाँ सर, कभी आप सहारनपुर में भी आओ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सहारनपुर में जल्दी आएंगे, अभी कोई क्लासेस है मुंबई में, बिल्कुल है ना भाई, हमारी क्लासेस है मुंबई के अंदर भी, क्लास लेता हूँ मैं, मंथ एंड क्लासेस लेते हैं हम लोग, तो अगर आपको मुंबई के अंदर ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो प्लीज आप आ सकते हैं हमसे। चैट बॉक्स में मैं फॉर्म दे रखा है, आप जाके फॉर्म भर देंगे तो डिटेल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सर आप 10-12 12-13 साल से हैं आकर? बिल्कुल बिल्कुल भाई, शायद आपने मेरी एक फोटो नहीं देखी है, कम्युनिटी में डाला था मैंने, शायद से मैं कम्युनिटी में डाला, बहुत टाइम पहले डाला था मैंने। बिल्कुल बढ़िया भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, इसाका का सारे कोर्स बढ़िया है, इसाका के आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत टाइम पहले डाला था मैंने, मतलब वो मेरा उसका था जब मैं 11-12 में, 11-12 में मैंने हैकिंग शुरू करा था,
मेरा करियर बहुत पहले, मतलब 13 साल हो गए मुझे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इसलिए तो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर ऐसे थोड़ी ना होता है यार, बोर्ड मेंबर कहाँ चला गया। पीछे अपना काम चल रहा है, ऐसा नहीं है अपन टाइम पास कर रहे हैं, पीछे अपना काम चल रहा है, उसको टाइम लगेगा, इसलिए मैं और तो दिखा रहा हूँ आपको बस एक। हाय शेर भाई, आप बिल्कुल लेफ्ट ले राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि जब मैं बिहार आऊँ तो एक बार साथ में अपन राइड करें डेफिनेटली। कहाँ चला गया यार, बहुत नीचे होगा शायद से। सर आई आई ऑल्सो गॉट इंडियन एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया ब्रदर, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 8 साल एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पहले खूब बनने बड़ी मिलती थी, अब तो बहुत कम हो गई है, कंपटीशन से बढ़ गया है। ये हमारे गांव का ही है फोटो, लिट्टी चोखा। मैंने कहा चला गया यार, चलो भेजूंगा मैं, डालूंगा कभी ना कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा अपना फोटो। वो 13 साल पहले का जब मैं स्टार्ट करा था ना, मतलब उस टाइम का है वो फोटो। सो सॉरी। हाय ब्रदर, कैसे? बढ़िया चल रहा है। टाइम लगा वैसे सर, कुछ सर्वर होते हैं जो पेलोड के अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उनको ऑलरेडी अटेम्प्ट तो सेट कर। भाई आप एज अ क्लाइंट साइड नहीं कर सकते उसको, सर्वर साइड पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा उसके लिए, तभी आप कर सकते हैं उसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउ। थैंक यू सो मच ब्रदर, आई फील प्राउड होता है, दरभंगा से हैं आप। ओके मनीष झा, वेरी गुड वेरी गुड। आई एम तपन कुमार झा। हाँ बिल्कुल बता दूंगा आपको कि जब 12 साल पहले, 13 साल पहले जब मेरा करियर स्टार्ट करा था ना, उस टाइम पे कालिनक्स नहीं था, उस टाइम पे बैक ट्रैक आया करता था, बैक ट्रैक 5R2 5R3, तो बैक ट्रैक पे हम लोग काम करा करते थे उस टाइम की बात, मतलब बहुत 13 साल पहले बैक ट्रैक से शुरू करा था करियर, और फिर वे काली वाली तो हमारे सामने आया है नया नया। बिल्कुल गाइस, अभी पहले हम लोग अजमेर आ रहे हैं। हाँ ट्रेंडिंग ब्रदर, बताइए क्या। अच्छा भाई मैं न्यू हूँ, मुझे किसको यूट्यूब चैनल बनवा करवाना था। अच्छा आपको यूट्यूब चैनल का बैन करना था भाई, ये चीज़ तो नहीं पढ़ा सकता मैं, क्योंकि तो मेरे ही कर लेगा। नहीं तो भाई कभी कोटा आइए सर, सर कोलकाता आइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, आएंगे जल्दी आएंगे, बिल्कुल आप लोगों का प्यार मिलेगा डेफिनेटली, इधर भी आएंगे हम लोग। अभी चल रहा है, टाइम लेगा, दिखाता हूँ मैं एक छोटा सा लाइव एग्जांपल आपको। अगर कमांड लाइन अगर आपको इशू मिलता है उसके अंदर, तो ऐसा नजर आएगा कुछ, जैसे मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन है आपका, ठीक बताता हूँ मैं इसको, तपन कुमार झागे नाम से ये लिंक्डइन नेम। अगर आप लोग चाहते जुड़ना मुझसे प्रोफेशनल नेटवर्क पे, तो आप जाके तपन कुमार झा को भी सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ। हाउ टू लर्न हैक, तो भाई लर्न हैक करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे जुड़ जाए मुझसे, ये तपन कुमार झा के नाम से, तपन कुमार झा के नाम से। 12,000 प्लस फॉलोवर हैं इधर भी अपने भाई। रोड मैप टू साइबर सिक्योरिटी ऑलरेडी आ चुका है अपना, एक बार आप जाके वीडियोस में चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको। डिजिटल फॉरेंसिक पे भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ वीडियो में भाई, ब्लैक हैकिंग हम जो करा रहे हैं ना, वही है ब्लैक हैकिंग और कुछ नहीं है। नहीं भाई कभी नहीं आया मैं आपने, अब देखो यहां देख रहा हूँ ना वो कमांड, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आते हैं अपन।
भाई, इसलिए कभी भी ट्रस्ट मत करो आप किसी के ऊपर अपने चैनल को लेके। तो स्पेशली अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ना, आपको अपना टाइप करना है आईपी एड्रेस, ठीक है ना, एंटर योर आईपी एड्रेस ताकि आप पिंग कर सके डिवाइस को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या करा कि भाई आपने डाला आईपी एड्रेस, लेट सपोज मैं डालता हूँ 127 डालता हूँ, 127.0.0.1, मतलब मेरे लोकल से डालता हूँ, लोकल होस्ट का मेरा आईपी एड्रेस है ना। सबमिट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो थोड़ा वेट करेगा ये और ये मुझे रिप्लाई दे रहा है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं कमांड लाइन का, जैसे यहाँ से जो इनपुट ले रहा है वो क्या कर रहा है, वो कमांड, वो यहाँ से इनपुट लेके वो सर्वर के टर्मिनल के ऊपर जाके उसको रन कर रहा है और फिर उसके बारे में डिटेल मुझे प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से कुछ ये रन कर रहा है। तो यहाँ पे अटैकर क्या कर सकता है कि वर्टिकल लाइन लगा के DIR, दिख रहा है आपको, वर्टिकल लाइन और DIR लगा सकता है यहाँ पे। तो अपन कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं जहाँ पे इनपुट में अपन कुछ और आईपी एड्रेस एडिट एंटर करना था, वहाँ पे अपन कमांड डाल रहे हैं। तो ये DIR कमांड डाला, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा है आपको ये डायरेक्टरीज खुल गई। दिस इज कॉल्ड कमांड इंजेक्शन। मतलब कमांड इंजेक्शन मतलब कि जहाँ पे एप्लीकेशन कुछ इनपुट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वहाँ पे आप उसके कमांड सबमिट कर रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आप है ना उसके OS के कमांड सबमिट कर रहे हो, और अगर OS के कमांड आपके एप्लीकेशन पे रन हो रहा है तो वो आपका OS कमांड इंजेक्शन के अंदर काउंट करता है, ठीक है। एक छोटा सा बग, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसके अंदर। और ये पेलोड ही है, DIR कर दिया अपन ने, आईपी कॉन्फ़िग कर दो। देखो ये दे रखा है आपका विंडोज कॉन्फ़िगरेशन आ गया भाई। इंस्टा इंस्टा के ऊपर डायरेक्टली आप सर्च कर लें हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग, हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग सर्च करेंगे आप इंस्टाग्राम पर, इंस्टा के ऊपर। तो प्लीज आप आगे मुझसे डायरेक्टली बात भी करते हैं वहाँ पे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप अगर फॉलो करना है तो आइए हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग। डाउट के जो भी सेशन के डाउट्स होंगे आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। स्पेशली आप वीडियो को एंड होना कमेंट करेंगे तो मैं उन सारे डाउट्स को पहले लूंगा नेक्स्ट क्लास में। भाई कोटा राजस्थान में रहता हूँ, जब भी आपकी मर्जी पड़े आप आ जाइए। 10,000 सब्सक्राइबर इस 10 से 15 दिन के अंदर अपन को करना है, ये हमारा टारगेट है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं राइड पे, अजमेर जा रहे हैं राइड करने के लिए। हैकर ब्लॉक की विनिंग राइड है ये, 10,000 सब्सक्राइबर पे हम लोग कर पाएंगे। तो प्लीज आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, ठीक है ना, भाई को सपोर्ट करिए। ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम लेकर आएंगे, जो ये कंटेंट वो है जो क्लासरूम्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना, वही कंटेंट आपका भाई लेकर आ रहा है। सारे टूल्स की ट्रेनिंग कोई नहीं करवा रहा अभी कारण इसके ऊपर, वो अपन यहाँ पे करवा रहे हैं। तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए इतना कर सकते हैं कि आप 5 लोगों को और बोले सब्सक्राइब करने के लिए, और उनको बोलो कि वो 5 लोगों को और बोले सब्सक्राइब करने के लिए। उतने में ही हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लेंगे और हमारी विनिंग राइड को हम लोग इनिशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यूपी सपोर्ट मिलेगा मुझे, आदित्य भाई मुझे यूपी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और बाकी कितने लोग कौन कौन सी कंट्री से, कौन कौन से स्टेट से हैं, फटाफट चैट बॉक्स में डालें एक बार मुझे, कौन से स्टेट से या कंट्री से आप ज्वाइन करके ज्वाइन कर रखा है। प्लीज चैट बॉक्स में डालिए आप फास्ट, कौन सी कंट्री से या कौन से आप स्टेट से, चैट बॉक्स में डालिए फटाफट आप फास्ट फास्ट। चेक करें सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ से हमारे, फास्ट फास्ट गाइस। कोलकाता बहुत बढ़िया, राजस्थान वेरी गुड, यूपी से छत्तीसगढ़ वेरी गुड, एमपी वेरी गुड, उदयपुर वेरी गुड, तेलंगाना वेरी गुड, वेस्ट बंगाल वेरी गुड। सर नेपाल से फुल सपोर्ट, भाई नेपाल का तो मुझे पता है, नेपाल से मुझे काफी सपोर्ट मिल रहा है, काफी सपोर्ट मिल रहा है नेपाल से मुझे, काफी सारे लोग जो हैं वो प्यार कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, दिखता है मुझे कमेंट में दिख जाता है। नेपाल से काफी सारा अच्छा प्यार आ रहा है मुझे। महाराष्ट्र से बहुत बढ़िया, पाकिस्तान थैंक यू सो मच, पाकिस्तान से भी काफी सपोर्ट, पाकिस्तान बांग्लादेश इनसे मुझे काफी सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया तो है ही सही पर बाकी इन कंट्री से भी अपन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उत्तराखंड बहुत बढ़िया, और कहाँ से भाई, सो गाइस जिस स्टेट्स के अंदर आप लोग हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों से यू नो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने उस स्टेट के अंदर कम से कम चैनल को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, हैकर ब्लॉग आर्मी को और बड़ी करें, काफी लोगों को जोड़ें, उन तक ये इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ा रहे हैं पहुंचना चाहिए ताकि वो लोग भी सीख सकें, ठीक है ना। ये फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को सीखें कुछ बने, और जब कुछ बन जाए तो याद करें कि भाई हैकर ब्लॉग से पढ़ाई करी थी अपन ने और हैकर ब्लॉग ने पढ़ाया अपन को। तो प्लीज़, और अगर आपको कोई कोई ना कोर्स वगैरह करना है तो आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए अप्रोच करने के लिए डायरेक्टली अगर आप मुझसे बात करनी है या फिर कोई कोर्स करना है मेरे साथ में, तो मैंने चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, उसको आप जाके भर सकते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल भाई बिल्कुल, कभी भी यूपी आऊंगा तो मैं कॉल करूंगा, और वैसे ही मैं ना कम्युनिटी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, जब भी कहीं पे जाऊंगा तो डेफिनेटली अगर आप उसके आसपास हो तो जरूर मिले। अभी अजमेर हम लोग जा रहे हैं, अजमेर के अंदर हम लोग एक राइड करने वाले हैं, तो जो लोग अजमेर या जयपुर से, तो प्लीज़ डेफिनेटली आप जाइए, आप मिल सकते हैं मुझसे और आ सकते हैं अपन लोग साथ में। सर मैं भी अभी दरभंगा में ही हूँ, लेरे सराय पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में 1 साल से। बहुत बढ़िया बगंटर भाई, बगंटर भाई बहुत बढ़िया। दरभंगा, अब दरभंगा से है तू साले, फिर नाटक कर रहा था बैठ के चैट बॉक्स के अंदर। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है भाई, दरभंगा से हमारे गांव से है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो फटाफट आप है ना, अब आपकी जिम्मेदारी है आपके एरिया के अंदर, आपके सिटी के अंदर आपके भाई को चैनल को प्रमोट करना, ठीक है ना, सब्सक्राइब करवाना लोगों से, ताकि अपन लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकें इस महीने के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर, और जाएं एथिकल हैकिंग को हम फेमस करेंगे। ये फ्री कंटेंट इसलिए हम लोग दे रहे हैं ताकि काफी सारे लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे, और एथिकल हैकिंग को जो लोग सोचते हैं कि ये क्राइम है, इलीगल है, कोर्स नहीं कराना चाहिए बच्चों को, उनको ये समझ में आए कि इसकी भी बहुत ज़रूरत है मार्केट में। एथिकल हैकिंग को फेमस करने के लिए हमें काफ़ी लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ये फ्री कंटेंट लाना पड़ेगा। जब लोग सीखेंगे एथिकल हैकिंग को, इस फील्ड में आगे ट्रेन होंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। सर आप सीएची प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ मैं, करवाता हूँ सीएस ट्रेनिंग। जिसको सीएस ट्रेनिंग करनी है, चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके भर सकता है, मुझसे कनेक्ट हो सकता है। और कोई भी डाउट है आपको, तो हैकर अंडरस्कोर ब्लॉग पे आप सीधे आके इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने काफी इंजॉय करा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी कुछ सीखने के लिए मिला, आपको सिखाया मैंने और आपसे भी 2 बातें मैंने नहीं सीखी, और काफी कुछ नए नए लोग जुड़े हैं आज। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया अपना और इतना वैल्यूबल इंटरनेट दिया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और आज सेशन में यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, और कल या परसों में सेशन एक नया लेकर आऊंगा, काइंडनेस के ऊपर ही रहेगा, सीरीज चल रही है इसी के ऊपर, और इसलिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।